मैं जा रहा हूँ। अंदर चल वरना चपनी उधेड़ दूंगा। चल गाड़ी में। ए चुप बैठना हरामी। एसीपी यहीं कहीं होगा। नमस्ते साहब। बोला ना गाड़ी में बैठ। अरे बैठो सालो वरना खा लो, फेरता रहूंगा। बहुत बड़े गुंडे बनते हो। चलो चलो अंदर। छोड़ दो तब, छोड़ दो, ये और मार खाओगे। चल चलो चल अंदर बैठ। ए कौन है तो? यमराज। मजाक मत कर। तुम जैसों के लिए यमराज हर बार धरती पे नहीं आ सकते बेटे। मुझे देखकर अच्छे अच्छों की पेशाब निकल जाती है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, ये क्या कर रहे हो शंकर? ऐसा समाज बना रहा हूँ जिसमें मुजरिम ना हो मैडम, ये भी तो एक तरह का नेक काम है ना? नो शंकर, जान लेना कोई नेक काम नहीं है। मैडम, जान देना और जिंदगी का अर्थ समझना ही असली सेवा है। मैडम,
दिस इज टू मच। इन्वेस्टिगेशन जहां से शुरू हुआ था वो तो अभी भी वहीं पे अटका है। नो सर, एक सुराग मिला है सर। इन सारे मर्डर्स में एक कॉमन बात तो है, जो भी मरा है वो किसी न किसी तरह से औरतों पे अत्याचार और जुल्म करता रहा है। कुछ लोगों पे तो केस फाइल भी नहीं हुआ है, कुछ लोग अदालत में सबूत और गवाह के ना होते हुए बेल ले चुके हैं। सर, केस फाइल ना होने के बावजूद ऐसे कांड के बारे में सब कुछ पता चलता है तो बस दरबार हॉल में। दरबार हॉल में? यस, बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाने से घबराते हैं, वो बड़े लोग और गुंडों से भी घबराते हैं, लेकिन वहीं पे जाकर न्याय की गुहार लगाते हैं। उनकी डिटेल्स पर केस को हैंडल किया जाता है, बट फोटो या फिर उसका नाम पता ही नहीं चलता। इसे 2 साल पहले शुरू किया था एसीपी शंकर पांडे ने। गुड, अगला दरबार कहाँ होगा पता लगाओ। मेरा नाम है प्रिया, मैं काम करती हूँ लियो इन्फोटेक नामक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 6 महीने से। मेरा कंपनी डायरेक्टर मुझे बहुत परेशान करता है, कहता है कि जब भी बुलाएगा मुझे उसके गेस्ट हाउस जाना होगा। हायर अथॉरिटीज को शिकायत भी किया तो वो कहते हैं कि इट्स कॉमन। पुलिस के पास जाओ तो वो कहते हैं कि ही इज वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन। कहते हैं कि पसंद ना हो तो नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो तो मैं अपने परिवार को सहारा कैसे दूंगी। यही सोचकर यहाँ आई होगी, ये मेरी आखिरी कोशिश है। मेरा नंबर है 9845058452। Say yes to Prakash Sibal and fix the place at his residence. ये लो बेटा, पकड़ो बरखुरदार, काम खत्म, चलो। तो क्या डिसाइड किया है, नौकरी छोड़ोगी या फिर जिद छोड़ोगी? मैं बाहर तो नहीं चलूंगी, आप कहे तो आपके घर आ सकती हूँ आज रात ठीक 8 बजे। हाय लकी। हाय, आई एम रेडी। लेकिन प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज है, आज कैंसिल करके कल जाना है। नो, अर्जेंट मुझे आज शाम 8 बजे एक मीटिंग अटेंड करनी है। और सुनो, मीटिंग खत्म होते सीधे वहीं पे आ जाऊंगा, तुम वहीं पर आ जाना। ओके, बाय। अरे वाह, क्या टाइमिंग है। कौन हो तुम भाई? यमराज का विजिटिंग कार्ड नहीं होता बच्चे, मेहनत करने वाली औरतों की मदद करने वाला होता है असली मर्द। और जो मर्द हर औरत पर बुरी नजर डालने की कोशिश करता है उसे हमारी दुनिया में नामर्द कहते हैं। काम ऐसी कला है जिससे एक नई जान इस दुनिया में पैदा होती है, वो हद से गुजर जाए तो आग बन जाती है। हमारे मुल्क में जितने भी बुरी नजर वाले हैं उन सबको खत्म कर दूंगा। तू अच्छा इंसान नहीं बन सका तो तुझे जिंदा रहने का हक भी नहीं है। हेलो, प्रकाश जी हैं? वो तो अपने घर चले गए। उन्होंने तो कहा था कि आज उनकी मीटिंग है। नो मीटिंग टुडे। देखिए, हमारी तहकीकात में अगर आपने सपोर्ट किया तो हम यकीनन आपके साथ खड़े होंगे। प्रिया ने कहा था कि वो मेरे घर पे आएगी, लेकिन वो नहीं आई। तो फिर वहां कौन आया? कौन था ये तो पता नहीं, अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही गुस्से में था वो। सर, प्रिया। हाँ, हेलो प्रिया, मैं इंस्पेक्टर कृष्णा बोल रहा हूँ। तुम 8 बजे वहां जाने वाली थी पर गई नहीं, वो क्यों? ऐसा करने के लिए मुझे आपके डिपार्टमेंट से ही एक SMS आया था। सर, ये तो मेरा ही नंबर है, पर मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। भेजा नहीं तो मैसेज गया कैसे? सर, दरअसल कल सुबह एक बूढ़े ने मेरा फोन उठाकर दिया था, शायद वही बूढ़ा हो। सर, दरबार हॉल वीडियो कवरेज, सर इसको लो और प्ले करके देखो। श्योर सर। सर, इसी आदमी ने मेरा फोन उठाकर दिया था। ये आदमी कितने गेटअप्स में हो सकता है, चेक करो। आई वॉन्ट टू नो इमीडिएटली।
यही है सर, यही है वो आदमी। आर यू श्योर? 100% सर, आई एम श्योर, ही इज द पर्सन। यानी कि शंकर पांडे। बुलाओ उसे। जब मैं सवाल पूछता हूँ ना, तब जवाब ढूंढना तो दूर, मुंह छुपाने के लिए हथेली भी नहीं मिलती। कोर्ट में मुझे किसी ने नहीं हराया। जीत के घमंड से कितना भी ऊंचा उड़ो, खाना खाने के लिए नीचे बैठना ही पड़ेगा, रोटी खाने के लिए सर झुकाना ही पड़ेगा। सच्चाई क्या है आज मैं तुझे दिखा के रहूंगा। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये इंसान। इंसान मतलब है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि एक ही नजर में हर कोई मुझे पहचान जाए। शंकर पांडे नाम का यह शख्स, इज्जत से मिस्टर शंकर पांडे नाम का यह शख्स खुद को न्यायाधीश और अपनी बात को फैसला मानकर अधिकार का दुरुपयोग करने के जुर्म में नौकरी गंवा चुका है। यह सब होने पर भी अपने आप को सुधारने के बजाय गलत राह पर चल रहा है। इसकी क्रूरता की बलि चढ़ने वाले 24/8/2009 को कॉल सेंटर ड्राइवर शिव कुमार अन्ना, 16/9/2009 को डॉक्टर वी सिद्ध गौड़ा साहब मरे और 30/9/2009 को फादर रिचर्ड स्टीवन को इसने मारा और आखिर में 14/10/2009 को सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारी मिस्टर प्रकाश सिब्बल जी के कत्ल की कोशिश करके उसमें नाकाम होके आज इस अदालत के सामने खड़ा है। ऐसे हैवान को सजाए मौत जैसी कठोर सजा ही मिलनी चाहिए, यह मेरी दरख्वास्त है। नमस्कार योर ऑनर, मिस्टर रघुनाथ रॉय ने डिटेल तो बहुत बढ़िया कलेक्ट की है, लेकिन कत्ल करने वाला मैं ही हूं, इसके लिए कोई गवाह लेकर नहीं आए। आप शायद भूल गए, प्रकाश सिब्बल कत्ल की कोशिश में इस्तेमाल हुए चाकू को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। ठीक है, आपने कहा मैंने प्रकाश सिब्बल का कत्ल करने की कोशिश की थी, क्या मैं उस चाकू को यहाँ पर देख सकता हूँ? योर ऑनर, क्या हुआ? आप कहते हैं कत्ल मैंने किया है, आप कहते हैं फिंगरप्रिंट्स भी मेरे हैं, इसे मैं अदालत में देखना चाहूँ तो क्या गलत है योर ऑनर? दिखाइए। योर ऑनर, इस केस से जुड़े हुए लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को कुछ देर के लिए अदालत के बाहर भेजा जा सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इसमें गलत क्या है? हर्षद मेहता केस में जब पीएम नरसिंहा राव को अदालत में बुलाना पड़ा था तो पूरी अदालत को शिफ्ट किया गया था, आपको याद है ना? इनफैक्ट राजीव गांधी के कातलों का जब फैसला हो रहा था तब कोर्ट में कोई भी नहीं था योर ऑनर। वो उनकी लाइफ का सवाल था। हमारा सवाल भी इससे हटकर नहीं है, लाइफ का ही सवाल है। आप लोग सब बाहर जाइए। बोलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? नो मिस्टर रॉय, डोंट स्टॉप इट। योर ऑनर, देखिए मेरे हाथों से खून बह रहा है और उसके हाथ में चाकू है, उस चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। मैं कहूँ उसने मुझे मारने की कोशिश की तो आप मान लेंगे? पांडे, व्हाट इज दिस? ये किसी जाति दुश्मनी का नतीजा है योर ऑनर। तुरंत इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए। कोर्ट में जो आपने हाथ काट लिया बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। जब आपको चैनल की टीआरपी बढ़ानी होती है और व्यूअरशिप बढ़ानी होती है तो ऐसे काम करते रहते हैं। चलिए हटाइए, हवा आने दीजिए। अपना हाथ काटने की वजह क्या है? सच्चाई दिखाने के लिए किया। इससे आपकी जान जा सकती थी। इज्जत बच गई ना, बहुत खून बह गया। डॉक्टर ने एप्पल खाने के लिए कहा है, वो मैं खा रहा हूँ। आपके जवाब कुछ घुमावदार लग रहे हैं सर। वही पुराने सवाल छोड़कर कोई नया सवाल पूछिए। आपकी दुश्मनी किससे है? आपका उद्देश्य क्या है? कब तक आप लड़ते रहेंगे? आपके पीछे कौन कौन से लोग हैं? इन सब बातों की सच्चाई हमारे लोग जानना चाहते हैं। क्यों सर, सवाल सुनकर घबरा गए हैं या आपको जवाब नहीं मिल रहा है? सच्चाई जानना चाहते हो? तो उन सबको बुलाओ जिनका मैं नाम लूंगा। लोगों के सामने सीधे तौर पर
आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ लाइव टीवी पे। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू सर। अदालत के सामने आपने अपनी हथेली काट ली, क्या ये एक गिमिक था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बस यही एक रास्ता बचा था। आप कहना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करते तो इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ ऐसे ही नहीं मिलता। मतलब इसको क्या कहती हो? देखिए, किसी एक का उदाहरण पेश करके पूरी न्याय व्यवस्था सही नहीं है यह कहना गलत है। तो और क्या कहूँ, जब तक पैसों के लिए केस लड़ने वाले होंगे इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हर बात पे ना इंसाफी की रट लगाए बैठे हो। किसके साथ और कहाँ अन्याय हुआ है दिखाइए, बुला के साबित कीजिए। दिखाऊं तो देखने की ताकत, देखने के बाद उनके दर्द को समझने की ताकत और उन्हें मुआवजा देने की ताकत आप में है क्या साहब? बैठ जाइए। चिल्लाइए बात। प्यार से कहूं तो लोग समझते नहीं है सर। आप बहुत ज्यादा एक्साइट मत होइए, बैठ जाइए। ये सब कौन है पता है? फोटो से भगवान बाहर आ जाए तो कोई पहचान नहीं सकता, तो इन लोगों को कैसे पहचानेंगे? मुंह सोच जाए तो आपके माँ बाप आपको पहचान ही लेते हैं ना। जोक मत कीजिए, जोक करते रहेंगे तो लोग आपको जोकर कहने लगेंगे। प्लीज सिट डाउन। मेरा नाम जयलक्ष्मी है। जी मेरा नाम शांति है। मेरा नाम श्रुति है। जब मैं 10वीं में पढ़ रही थी तो एक लड़का मुझसे प्यार करता था। घर आकर सुबह शाम वो मुझे परेशान करता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन तक वो मुझे दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही थी तो एक दिन अचानक आकर उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। बहुत परेशान करता था वो मुझे। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे कह दिया कि मेरा पीछा मत करो। जब मैं बस में चढ़ रही थी तो पीछे से आकर उसने तेजाब फेंक दिया। मेरे जो पति हैं वो हमेशा मुझ पर शक किया करते हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा शराब भी पिया करते हैं। शक की वजह से ही उन्होंने ऐसा किया। मेरे पति हर रोज शराब पीकर मुझे मारते थे। खुद तो कुछ नहीं कमाते थे और मेरा काम पर जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। फिर भी मैं मुश्किल से नौकरी करती थी। महीने के अंत में वो सारे पैसे ले लेते थे। एक बार मैंने नहीं दिया तो वो गुस्से में आके मेरे साथ ऐसा सलूक किया। इन तीनों औरतों के बारे में बाद में बात करूंगा। हमारी मुलाकात एक लड़की की वजह से हुई थी, आपको याद है ना मिस्टर रॉय? ऑफिसर कहाँ है? अंदर जाके पूछो। मुझे एक कंप्लेंट देनी थी। बोलिए मैडम। मुझे एक शख्स रोज फोन करके हैरेश कर रहा है, गंदी गंदी बातें करता है। जो भी कंप्लेंट करनी है आप इस पे लिख दीजिए। ठीक है। ये कंप्लेंट फाइल में ही सड़ती रहेंगी या फिर क्लियर हो जाएंगी? 24 घंटे में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतनी गारंटी के साथ? जी हाँ बिल्कुल। आग से तेज होती है हवा, हवा से तेज होती है बोली, बोली से तेज होती है बुद्धि, और हमारे साहब तो इन सभी से तेज है मैडम। सलाम वालेकुम साहब। क्या भाई शबीर, क्या हुआ? घर में अम्मी अब्बा सब ठीक है ना? क्या है तेरा लफड़ा? साउथ बेंगलोर पूरा हाँ मेरा है। हाँ 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 ठीक है, आगे तो बोलो, जल्दी बोलो यार। वो एरिया मैं देखता था। हाँ हाँ। नॉर्थ में शरीफ। ओ ये बात है। और सेंट्रल सोमा संभालता था, और अब ये कमीना घुस गया है। हाँ हाँ। नमस्ते साहब। तो ये है वो खिलाड़ी? ए देखने में तो मच्छी बेचने वाला लगता है, ये कोई खिलाड़ी है? अरे भाई ये बताओ, सारे रूल्स तुम लोग आपस में ही बना लोगे तो इलेक्शन जीतने वाले एमपीज क्या करेंगे? हा? एक काम कर सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट को भी थोड़ा काम करने दो। ना मत बोलना, हम लोग अपने कपड़े उतार देंगे, तुम लोग उसे पहनकर हर आदमी का एक एरिया संभालना शुरू कर दो। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? हम में से किसी एक को इलाका छोड़ना होगा। कौन छोड़ेगा अभी बता दो। तो कोई वकील है की दलील दे रहा है साले? ए पहले जाके इसके बाल कटवा, पुलिस वालों से ये सब काम करवाने लगे हो। निकलो, तुम लोग आपस में फैसला कर लो। ए निकलो, जाओ बात कर लो, जाओ। ए तू भी जाओ, लफड़े मत करो, जाओ। अकल नहीं है सालों को। बोलो क्या बात है लखन? सर एक कंप्लेंट आई है। एड्रेस है नंबर 5 बार 1 वीरेश्वर निलय, पाटलिपुत्र मेन रोड, 43 लास्ट बस स्टॉप। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, क्रिमिनल्स आजकल एड्रेस देके क्राइम करने के लेवल तक पहुंच गए। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड।
अनिल गो एंड गेट हिम। बाद में कुछ हो जाए पंगा तो मुझे मत। आते समय साले की अच्छी तरह खातिरदारी करके आना। खत्म हुआ कि नहीं? बस सर, 5 मिनट दीजिए सर। साले कमीने, अगर इतना टाइम होता तो देश की ऐसी हालत नहीं होती। 1 मिनट देता हूँ, नरेश सर का फोन। क्या हुआ नरेश? सर रिपोर्ट के हिसाब से लड़की की उम्र 18 से 20 के अंदर है। हाँ तो उस मिसिंग कंप्लेंट में इस एज ग्रुप के कितने लोगों का नाम है? देखो, देखा है सर, 6 केस है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो ब्लड ग्रुप किससे मैच हो रहा है ये देखता हूँ, उसके बाद हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी सर। कैरी ऑन गुड। हाँ क्या लफड़ा चल रहा है तुम लोगों का? सर 1 मिनट प्लीज। बैंगलोर तेरे बाप का है क्या? बाप का है तेरे बैंगलोर? साले एरिया एरिया बांटने चले, एरिया बांटने चले हैं। इधर आ, एरिया बांटना चाहते हो सालों तुम लोग? कमीनों, जो भी दादागिरी करनी है अपने घर के अंदर दिखाओ। अगर बाहर आए लफड़ा किया, दादागिरी की और तुम्हारी वजह से पब्लिक को परेशानी हुई ना, तो तुम लोगों को अंदर नहीं करवाऊंगा। इधर आवे, सीधा एनकाउंटर करवा दूंगा, समझ गए? तो इधर अपने माँ बाप से कह के कफन तैयार करवा लो सालो, ऊपर जाने वाले हो। घर की औलाद कहीं के पब्लिक में लफड़ा करोगे? बैंगलोर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, मार डालूंगा सालो। ओह एसएपी साहब तो ज्यादा ही जोश में लगते हैं, 1-2 महीना हफ्ता पहुंचाएंगे तो ये भी लाइन पे आ जाएंगे। बोलो क्या है? सर लड़की का नाम है भाग्या, मिडिल क्लास फैमिली, उसका बाप छोटी मोटी नौकरी करता है, होटल में काम करने वाला कोई लड़का रोज उसे कॉलेज ड्रॉप किया करता था, वो जान पहचान का है, लेकिन इस हादसे के बाद उसने नौकरी छोड़ दी है। 1 मिनट होल्ड करो कृष्णा। ए, कौन था वो कबीना जिसने मुझे हफ्ता देने की बात बोली थी? ईमानदारी से बताओ कि वो कौन है, तो वो अकेला मरेगा, बचाने की कोशिश करोगे तो सबके सब मारे जाओगे। हाँ तो इसलिए उस होटल ओनर के पास उसका एड्रेस लेने जा रहा हूँ सर। वेरी गुड कृष्णा, कीप इट अप, लेट अस फिनिश इट टुडे। अबे सालों, पानी में डालूंगा तो सिर्फ डूबोगे, हवा चलेगी तो सिर्फ उड़ोगे, आग लगेगी तो सिर्फ जलोगे, लेकिन इस पुलिस वाले से पंगा लोगे तो मारे जाओगे। शंकर आईपीएस। व्हाट मिस्टर कृष्णा? सर अंदर करीब 7-8 लोग बैठे हैं, सभी के पास हर तरह के वेपन्स है सर। भाग्या जी के कत्ल के केस में तुम सबको अरेस्ट करने आया हूँ। hey, अंदर तो आ गया, बाहर कैसे निकलेगा, सोच ले बेटे। सुन बेटे, जब माँ के पेट से बाहर आने के लिए मैंने डिसाइड किया था ना, तो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं रोका, साला डॉक्टर भी मुझे नहीं रोक पाया, तो ये मामूली सा अड्डा और तुझ जैसा गुंडा क्या रोक पाएगा? थो, चुपचाप चल रहे। ओए काके। ए, ए।
अंदर चल वरना चपड़ी उधेड़ दूंगा। चल गाड़ी में। ए चुप बैठना हरामी, एसीपी यहीं कहीं होगा। नमस्ते साहब। बोला ना गाड़ी में बैठ। अरे बैठो सालो वरना खालो फेरता रहूंगा। बहुत बड़े गुंडे बनते हो। चलो चलो अंदर। छोड़ दो साहब, छोड़ दो, ये और मार खाओगे। चलो चलो अंदर। ए चल सीधे। सर यस यही है सर विनय, जो एड्रेस देकर क्राइम करता है। नमस्ते साहब। ये कौन है? हम लोग भाग्या के माँ बाप हैं साहब। क्या भाई, ठीक है कुमार जी, कैसे हैं? हाँ जी सर। खाना खा लिया? ओ लगता है नहा कर आए हैं। शैम्पू की खुशबू अच्छी है। आहा, बहुत खुशबू आ रही है। बढ़िया परफ्यूम लगाया है। अच्छा बॉडी स्प्रे यूज करते हो। बढ़िया पैंट है, रिबॉक शूज पहना हुआ है। बहुत बढ़िया शूज होंगे, है ना? दर्द हुआ? नहीं सर। दर्द होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता ना? बहुत ही गर्म खून है शायद तुम्हारा। अपने माँ बाप को बोल दो, अगर खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो साले जल्दी से शादी करवाने को बोलो उनसे। ऐसे गंदे काम नहीं करने का बेटे। मोबाइल किस लिए रखते हो? घटिया जोक्स भेजने और वीडियो बनाने के लिए? ए, अपनी माँ और अपनी बहन का वीडियो बना के शहर भर में दिखाना साले। अबे साले कमीने, घूरता क्या है तू? मुंह क्या दिख रहा है? आंखें निकाल के गटर में फेंक दूंगा साले। साले लोफर कहीं के, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव यूज मत करो। बता साले इस देश का भविष्य क्या होगा? बता तो, जैसे लोग होंगे तो इस देश का क्या होगा? ए, इस हरामी को ले जाकर खूब पिटाई करो, बैंड बजा दो। नमस्ते। नमस्ते माजी। मुझे पता है माजी, एक लड़की के माँ बाप पे क्या बीतती है। कई सालों तक आप लोग अपना पेट काटकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और इन कमीनों ने आपकी बेटी को जान से मार डाला। बोलो बेटा, मेरी बेटी आप लोगों को बड़े प्यार से भाई कह के बुलाती थी और उसे बेरहमी से मार डाला आप लोगों ने। क्या बिगाड़ा था? हमारे जमाने में भाई कहने पर अनजान इंसान भी बहनों को घर तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। भाई, भाई कहते हो इनको? भाई, भाई कहलाने के लायक है ये लोग? इन कमीनों को शूट करके मार डालता हूँ, खत्म करता हूँ आज इन लोगों को। ले जाओ इनको और खत्म कर दो, अदालत जाने की भी जरूरत नहीं है। मार डालूंगा इन कमीनों को। जाइए, आप जाकर बैठ जाइए। जाइए बैठिए माँ जी, मैं आता हूँ। क्या बात है? मैं शिल्पा हूँ, मेरी ही कंप्लेंट है। क्या करती हैं आप? अब मैं पढ़ती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का सोचा है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसे ही पेश आऊंगी, ये है आपके विचार? बचे खुचे कपड़े उतारने के लिए कॉन्टेस्ट अलग से होते हैं, सर पर ताज रखा जाता है। मेहरबानी करके आप जाइए, अगली बार कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको फोन पर इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं देख लूंगा। आप चलिए। ए, उन कमीनों की खाल खींच दो, एक को भी मत छोड़ना। उन्हें बचाने कौन आएगा देखता हूँ। आपसे एक बात कहूँ? अब क्या हुआ? डिपार्टमेंट में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आप भी जरूरत बनिए समाज के लिए, हमारी तरह समाज में कुछ करके दिखाइए। अब जाइए मैडम। चलिए मैडम, मॉडलिंग और क्राउन चाहिए इन्हें। सोप शैम्पू और चड्डी के एडवर्टाइजमेंट करते करते मर जाएंगे ये लोग। क्यों भाई विनय कुमार, खाना खाओगे क्या? अनिल, इनको हैदराबादी बिरयानी और शराब दिलाओ यार। जिम भी जाते हो ना? टांगे बहुत कमजोर हैं। जरा इन पर भी ध्यान दो बेटा। यशोदा मैडम। सर। यहाँ ये। वाह क्या बात है, क्या बाल है तेरे, तू तो हीरो लगता है। मैडम, आइंदा ये किसी लड़की को देखे तो उस लड़की से ऐसे राखी बंधवा देना, यही ट्रीटमेंट चाहिए इन सालों को। ए, चल, 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 मारो, 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 पहले जाकर ले आओ। कौन है जो मेरे छोकरे को अंदर कर रहा है? आप कौन साहब हैं? मिनिस्टर हूं और ये मेरा आदमी है, चुपचाप छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ूंगा। ए, तेरे पीछे महज 8 स्टेशन होंगे और मेरे पीछे 8,00,000 लोग मौजूद है, समझे? कुत्ते या सुअरों के झुंड और हाथी में बहुत फर्क होता है, शायद आपको पता ही होगा। ए, मुझे कुत्ता बोल रहा है तू? अगर मैं चाहूं तो अगले 10 मिनट में तेरे बदन से वर्दी उतरवा सकता हूं।
इस उम्र में अगर हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ नहीं पाएगी। कोई डॉक्टर चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएगा। अच्छी तरह सोच लो। देखो बेटे, मैं यहां आया हूं तोड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। तोड़ने का इरादा कर लिया तो ऐसे तोड़ता हूं कि वो फिर नहीं जुड़ पाता, और जिसे तोड़ता हूं वो जान छोड़ देता है। दिमाग खराब हो गया ना तो जान से मार देता हूं मैं। बस एक बार पता चलना चाहिए कि किसी ने गुनाह किया है। अगर उसकी सिफारिश नहीं आती तो उसी दिन मार देता हूं, और अगर सिफारिश आती है तो उस दिन छोड़ देता हूं। अगले दिन धोता हूं, फिर से धोता हूं, वापस आके धोता हूं, जहां मिले वहां धोता हूं। गलती की तो मारता हूं, नहीं की तो गलती करवा के मारता हूं। तू क्या करना चाहता है डिसाइड कर ले, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। कोई सिफारिश मेरे सामने काम नहीं आएगी बेटे, संभाल कर रहना। देखो सर, आज रात किसी तरह मैं यहीं रह लूंगा, मेहरबान करके। एसीपी, ये जो तू कर रहा अच्छा नहीं है, बहुत पछताएगा तू। आप भी कोई दूध के धुले नहीं है सर, ऐसे हरामियों का साथ दे रहे हैं आप। आजा आजा, हाँ, अरे चलो, पता चला उसी के बारे में। हाँ, अरे सर, एक कंकाल के बारे में आप जो तहकीकात कर रहे थे, हमने सुना है कि वो सॉल्व हो गया, क्या ये सच है? सुना है कि केस बहुत दिलचस्प था, कैन यू एक्सप्लेन इट? इस केस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हमें एक खोपड़ी मिली थी और कुछ हड्डियां भी मिली थी। उन्हें हमने लैब टेक्नीशियन के पास भेजा और उन्होंने इसका अच्छा सा फॉर्मेशन किया तो हमें पता चला कि एक लड़की की खोपड़ी थी। और जब मैंने और मेरी टीम ने इन सारी लड़कियों की लिस्ट बनाई जो शहर से गुमशुदा थी, बोन मैरो कलेक्शन को हमने लैब में भेजा और डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला कि मरने वाले की उम्र 18 से 25 साल के अंदर की थी, और यकीनन ये किसी लड़की की ही खोपड़ी थी। बस हमारी आधी समस्या सुलझ गई। आगे शॉर्ट आउट करने पर इस उम्र की कुल 6 लड़कियां मिसिंग थी। हर फैमिली के ब्लड सैंपल हमने लैब में भेज दिए और वो मैच हुए सिर्फ इन पेरेंट्स के साथ। बाद में पता चला कि उस लड़की से राखी बंधवाने वाले कुछ कमीनों ने ही उसे ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। Before that rape? Yeah, brutal murder and rape. और फिर उस लड़की के माँ बाप को हम उसकी बेटी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन मैं और मेरी टीम भले ही कितनी भी मुश्किल आ जाए, अदालत में उनको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? शंकर पांडे इज एन एक्शन। इस देश में प्रजातंत्र है, यहाँ चलना चाहिए प्रजा का राज, लेकिन यहाँ चलता है गुंडों का राज। इसीलिए मैं चलाता हूँ पुलिस का राज। जीने की इच्छा है तो बदल जाओ या भाग जाओ, दोनों नहीं कर सकते तो जान से जाओ। तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे बारे में लोग बुरी बातें करेंगे ना। अरे तुझे कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या? मिस इंडिया बनना है मिस इंडिया। शुक्र है कि साहब को पता नहीं चला कि तुम मेरी बेटी हो। एक तो बड़ा ही सनकी आदमी हो बंदा। देखो फैशन मॉडलिंग मिस इंडिया बोलती है। खूबसूरती जो है ना वो बदन में नहीं मन में होती है, देखने वाले की नजरों में होती है। ऐसा है तो नेक नजर से देखना चाहिए, इसे क्यों बुरी नजर से देखते हैं? वेल सेड मॉम। नहीं चाहिए मम्मा। हम पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, ये खाने में मेहनत करती है। इसको 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 बिगाड़ कर रख दिया तुमने। सुनिए, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को ही ले लीजिए ना, इन दोनों ने नाम और पैसे नहीं कमाए। पर मैं पैसे कमाना नहीं चाहती, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पुअर एंड हैंडीकैप्ड। बेटी तेरा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन जो राह तूने चुनी है ना। डैडी आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? इतना ही काफी है। वेरी गुड, तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई हो। वी आर प्राउड ऑफ यू। कॉलेज की तरफ से तुम्हें हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? वैसे भी तुम्हें एक महीने की छुट्टी तो मिल चुकी है ना? ये सब ठीक है सर, पर इस 20 दिनों की ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। इतने सारे पैसे हम किससे मांगेंगे सर? शिल्पा जी? हाँ। हाय हाय, वी आर फ्रॉम क्रेजी ग्रुप। दिस इज मीतू, हाय, योर हेयर स्टाइलिस्ट महेश, द पोस्टर डायरेक्टर, हाय, जैक्स फोटोग्राफर, हेलो, एंड दिस इज अदिति कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हाय, एंड आई एम अश्विनी चीफ ऑफ दिस ग्रुप। दैट्स नाइस, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। बट आप सभी यहाँ पर? कमिंग टू द पॉइंट, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट शुरू होने के लिए अभी एक महीना है, सो वी आर ऑल हेयर टू ट्रेन यू। बट पेमेंट्स वगैरह?
It's all been taken care of. किसने दिए? You see, we are running a business here, not a charity show. हमारे लिए investors बहुत अहम हैं. जो भी investors आएं, catch them. Almost about 1 lakh shares तो हैं sir. That's fine. Sir. What does she want? Let me ask. Yeah. Yes, please. Saklecha sir से मिलना था मुझे. Sure. Yeah, I'm Saklecha. मेरा नाम शिल्पा है सर. अब आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल्स ऑफ मिस इंडिया पेजेंट एंड योर कंपनी इज गॉर्डन. हाय हाय, आई एम शिल्पा शक्लेचा, गोवर्धन शक्लेचा. मॉम शी शिल्पा, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए चुनी गई है. आई वॉन्ट टू हेल्प हर ऑन फाइनेंस साइड. हेल्प करना चाहते हो या हेल्प कर चुके हो? Already I did. When you invest in something, you get back something. That's business. Got it? Sir, namaskar. Namaskar. मुझे तो आप जानते होंगे, मिनिस्टर हूँ. क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, इलेक्शन अभी सर पे, पार्टी फंड के बारे में कुछ बोलना था मुझे. अंदर चलते हैं. अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने पार्टी प्रेसिडेंट को भेजिए. हेलो, हम यहाँ पर आए हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, इसको याद रखिए. आप जैसे सैकड़ों लोगों पर रूल कर रहे हैं, हम जैसे 5 लोग. यानी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं इज्जत देता हूं पर शख्स को नहीं, शख्सियत को, उसके काम को. नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर. सर, मिस्टर अजय प्रकाश इज ऑन द लाइन. हेलो. हाँ बोलिए सर. आई डोंट थिंक योर डैड विल सपोर्ट मी. मेरे डैड को कन्विंस करने का काम मेरी मॉम करेगी. यू डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. That's it, okay? All the best. Thanks. Hi. Hello, relax. Don't worry. So, how is the preparation? It's good. So, next month, definitely wo Miss India crown tumhare sar pe hoga. I hope so. Ye sab aapki badaulat hua hai. मैं आपको कैसे थैंक्स कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा. वेरी सिंपल, मेरे साथ तुम हर चीज शेयर करो, दैट्स इट. व्हाट डू यू मीन? आई मीन लंच, डिनर, फीलिंग्स एंड सम नाइट्स. व्हाट आर यू टॉकिंग? इतना भी नहीं समझती, सिर्फ एक रात तो गुजारनी है. आप इतने चीप हो सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था. व्हाट डू यू मीन बाय चीप? इट हैपेंस. नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस थिंग. Just think over it. Look, तुम मेरी एक दिन की रानी बनोगे तो आगे भारत की रानी बनोगे. I mean, Miss India. You slapped me. Not you only. अगर इसी तरह बिहेव किया ना तो तुम्हारे डैड को भी मारूंगी. अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर हाथ ही उठाया है. फिर से कहा ना तो सैंडल टूटते तक तुम्हारे मुंह पर मारती रहूंगी. तो उस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट तक कैसे पहुंचेगी मैं भी देखता हूं. आज के बाद से इसे ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा. यू जस्ट गेट आउट ऑफ हियर. आउट. रिलैक्स. मॉम, मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी. बेटा सोच समझ के फैसला करो, कुछ तो करेंगे. मैं हर दिन सुबह कंप्यूटर क्लास में जाती हूँ. हर दिन एक लड़का मुझे तंग करते रहता है. मैं पुलिस में शिकायत देने गई पर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लड़का है. वो कहते हैं तुम ही नौकरी बदल दो. वो
पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट नहीं करना चाहती। उसे पता भी न चले कि तुम पुलिस वाले हो। हेलो, कितने दिन से तू मिली नहीं। हेलो, उधर क्या देख रही है, इधर देख। तू कहीं भी जा पर कुछ नहीं कर सकती, तू सिर्फ मेरी है, समझी ना। ए, कौन है रे तू, पता है मैं कौन हूँ? हमें नहीं जानता ना, शंकर को तो जानता है ना। हेलो, क्यों ब्यूटी क्वीन, कैसी चल रही है तुम्हारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी? मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। क्यों? हाय, तुम्हें ये चॉकलेट किसने दिया? दीदी, आज किसी के बेटे का बर्थडे था तो उसने हमें चॉकलेट दिया। ये बात है? हाँ। दीदी, मेरा बर्थडे कब आएगा? तुम्हारा नाम क्या है? भगत। तुम जैसे देशप्रेमियों को हम याद करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, सो तभी है तुम्हारा बर्थडे। दीदी, मेरा बर्थडे तो कोई नहीं मनाता। बाकी सारे लोग अपने बच्चों के बर्थडे अपने घर के अंदर मनाते हैं, लेकिन तुम जैसों का बर्थडे तो पूरा देश मनाता है। पूरा देश? तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम यहाँ काम करती हो? जानते तो हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो, मेरी माँ सपोर्ट करती है। अब तो हर घर की यही कहानी है। Who is your father? सुरेंद्रनाथ, आपके स्टेशन के सेंट्री। मैंने जब कहा कि मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाऊंगी तो बदन दिखाकर ताज पहनना कौन सा बड़ा काम है, ऐसा कहा था आपने। मुझे नाम कमाना है, एड्स में, फिल्मों में एक्ट करना चाहती हूँ, ऑटोग्राफ देना चाहती हूँ। ऐसी सोच नहीं है मेरी, एटलीस्ट साल में एक बार तो इन सबको कपड़े दिला सकूं। हम किसी पर भी निर्भर ना रहें, ऐसी भावना उनमें पैदा करना चाहती हूं। लेकिन इन सबके लिए थोड़े पैसे चाहिए, यही ख्वाब है। पहले तो मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन अनाथ आश्रम में आने के बाद मैं भी गरीब हूं। भगवान ने मुझे भी धोखा दिया है ऐसा लगता है मुझे। गुड, वेरी गुड। मिस इंडिया के अंदर भी कोई मदर टेरेसा छुपी है, मुझे अब पता चला। गॉड ब्लेस यू। यस, एसीबी शंकर पांडे बोल रहा हूं। जी हाँ, 5 मिनट के बाद आप स्टेशन आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ, ओके। क्या है सर? क्या क्या है? जब देखो ड्यूटी, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस के नाम पे पूरी जिंदगी गुजार दी। सुरेंद्रनाथ साहब, सर, सब बच्चे पैदा करते हैं, आपने तो मां पैदा की है। सर। हाय। हाय, कॉफी? नो थैंक्स। गुड, आप शिल्पा के बारे में क्या कहेंगे, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जीतेगी या नहीं? शी इज क्वाइट प्रॉमिसिंग, बट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कर देंगे। पर कौन? पांडे सर ने बताया उस लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए काफी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं। हम एक बार इनसे मिलना चाहेंगे, सो दैट वी कैन डिसाइड नाउ इटसेल्फ। फाइन।
आई एम शिल्पा 19 years of age, student of second year BSc, and I have been selected as one of the final 20 contestants for the Miss India pageant. तुझे एक अच्छा बिजनेसमैन समझता था, बट यू आर नॉट. यू हैव मिस्ड हर एंड यू हैव मिस्ड अ लॉट. यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी सफलता में जिनका हाथ है वो है अश्विनी जी और एसीपी शंकर पांडे. गुरु, ये तालियां सुन रहे हो? तुम्हारा सपोर्ट मिले ना मिले, वो तो मिस इंडिया बनकर ही रहेगी. वेल डन शिल्पा, कीप इट अप. थैंक्स. एसीपी शंकर पांडे, प्लीज कम ऑन स्टेज सर. आप सभी को मेरा नमस्कार. जिंदगी में कुछ हासिल करने का हौसला रखने वालों को हर एक का सपोर्ट मिले, ये हर एक की जिम्मेदारी है, यही मेरा मानना है. मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनने से पहले लड़कियां मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी कहकर मदर टेरेसा की तरह डींगे मारती हैं, लेकिन जीत जाने पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, साबुन, शैम्पूज, चॉकलेट या क्रीम या ऐसी कई कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बनकर खूब पैसे कमाती हैं. अगर आपको वाकई में टीवी पर दिखाई देने की इतनी ही इच्छा है तो ऐश्वर्या राय की तरह मैं आंखें दान करूंगी या फिर बच्चों को पल्स पोलियो दिलवाऊंगी, ऐसा कहिएगा. लोग आपको सिर्फ पहचानेंगे नहीं, इज्जत भी करेंगे. आई नो एंड आई बिलीव दैट वन डे शी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पर्सनालिटी. थैंक यू वेरी मच. Hey, तेरा बलात्कार करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है. मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे तो तुझे लूटने से ज्यादा तुझे हारते हुए देखना पसंद है. तुझे अगर पतंग की तरह उड़ना है और तू चाहती है कि लोग तुझे देखें, तो इस कहानी का लेखक मैं और कलाकार तू. hey, निकल जा. एक मिनट, अगले एक घंटे में अपने आने का डेट और टाइम मुझे बता दे. नहीं बताई तो मैं खुद आऊंगा, और आ गया तो तू अच्छी तरह जानती है. माइंड इट. सर, अपॉइंटमेंट लिया क्या? अपॉइंटमेंट की जरूरत नौकरों को होती है रे, मौत को नहीं. तो एसीपी साहब यहाँ तक आ गए? पुलिस स्टेशन चलोगे तो शिल्पा नाम की लड़की तेरी औकात के बारे में सब कुछ बता देगी. चल बेटे, चलते हैं. मैं कौन हूँ जानते हो ना? सकलेचा को हटा दिया जाए तो तेरे में और यहाँ पे काम करने वाले मजदूर में कोई फर्क नहीं है बेटे. What happened? हर बार मैं नहीं बता सकता. पुलिस स्टेशन चलो, वहीं बताऊंगा. नो. चुपचाप चलोगे तो इज्जत बची रहेगी, नाटक करोगे ना तो कपड़े उतार के खींच के ले जाऊंगा. मिस्टर पांडे, ऑफिसर इज ऑनलाइन. सर. पांडे, क्या बात है? अटेम्प्ट टू रेप सर. पैसे वाले और कुछ पॉलिटिशियन समझते हैं कि पूरा देश उन्हीं से चलता है, इसलिए लोग हमको विलन की तरह देखते हैं. मेरे लिए क्या ऑर्डर है? छोड़ना मत, स्टेशन लेकर जाओ उसको. यस सर. लॉयर के आने से पहले उसकी जम के खातिरदारी करो. यस सर. जरा जोर से करना, एफआईआर तो हो चुका है. सॉरी सर बोल के निकलो. सॉरी सर, एफआईआर तो लिख चुकी है. फोन उसको दो. सकलेचा साहब, एफआईआर लिखा जा चुका है तो अदालत में पेश करना होगा. पुराने लोग अब नहीं रहे, ये जो नए लड़के आए हैं हायर ऑफिसर का वेट ही नहीं करते. इट्स बेटर आप किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट कर ले. तो साउथ की फिल्मों का हीरो नहीं है कि तेरे घूर कर देखने से तेरी आंखों से आग निकलेगी और मैं मोम नहीं हूं जो उससे पिघल जाऊंगा. आंखें उखाड़ के तेरे माँ बाप के गले में लॉकेट बनाकर डाल दूंगा. चल साले. ए!
यस आई एम राजेंद्र, राजेंद्र सकलेचा। हेलो, दिस इज माय वाइफ। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज। थैंक यू सर। टेल मी व्हाट्स द एज? मेरा बेटा 25 साल का है। मैरिड? अभी हुई नहीं है, तभी तो ऐसा किया। लड़के की फैमिली? मिडिल क्लास, बाप हेड कांस्टेबल है। गो। ये मिडिल क्लास और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ही बहुत डेंजरस होते हैं। जी सर। माय वाइफ। नमस्ते जी। और आपके बच्चे? अब वो जरूरी है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लो क्लास वालों को पैसे देकर चुप करा सकते हैं, हाई क्लास वाले तो इसे बहुत कॉमन समझते हैं। ये मिडिल क्लास के लोग हैं ना, यही लोग आबरू इज्जत की बात करते हैं। देखिए, पूरी सोसाइटी में वकीलों से नफरत करने वाली बस एक ही कौम मौजूद है, पुलिस। आप बताइए क्या करें हम, कुछ तो कीजिए, इकलौता बेटा है। अच्छी बात है, उसकी शादी नहीं हुई है, दूसरा कोई वारिस भी नहीं है। हेलो मंजुनाथ। कौन मंजुनाथ? मुझे उस गुनाह की सजा दिलाना चाहते हो जो मैंने किया ही नहीं। अगर मुझे सजा हुई तो? सजा तो होगी ही, जब रॉय ने केस ले लिया तो सजा कंफर्म है। अगर मुझे कोई सजा हुई तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो आज तक किसी ने सुना तक नहीं होगा, आईपीसी सेक्शन में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पहले तू जेल के बाहर तो आ जा, उसके बाद भी तेरा खून उसी तरह से खोल रहा हो तो उसे ठंडा करने का उपाय ढूंढ लूंगा। आपका बेटा कहां पर है? हवालात में। वहां ऑफिसर कौन है? शंकर पांडे। आवाज निकाली तो पकड़ के मारूंगा, बता दो उसे, अदालत में देख लेंगे उसे, हमसे पंगा लेने चला है। नमस्कार। क्या हुआ, पूरी टोली के साथ आए हो? बेल के कागजात भी साथ लाए होगे, सड़क छाप कुत्ते को छुड़वाने के लिए। मिस्टर माइंड योर लैंग्वेज। आई एम सॉरी, गले में सकलेचा नाम का बिल्ला जो पहना था इसीलिए मैं उसको कुत्ता समझ बैठा। वो तो ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है? ये क्या वकील साहब, आप तो बिल्कुल अनजान से बन रहे हैं। इसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है, इसे धमकाया गया है, मेंटली हरास किया गया है। ओ, एक साथ तीन तीन केस। अटेम्प्ट का केस किस लिए? रेप हो गया है, यही केस डाल दो ना, सर्टिफिकेट मैं दिला दूंगा। क्या बात है, बेटी की जान से ज्यादा ड्यूटी प्यारी हो गई? मैं क्या करूं सर। देयर इज अ प्रॉब्लम, अ पार्टिसिपेंट ऑफ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट शुड बी वर्जिन। Do you know the meaning of virgin? कुमारी, जिसकी इज्जत नहीं गई है वो कन्या। वैसे रैंप पे चलने वाली हर लड़की को पता होता है वो क्वालिफाई नहीं होगी। साबित कर सकती हो ऐसा नहीं है, मगर ये साबित करने के लिए अदालत जाना पड़ेगा। एक बार जब अदालत में आ जाओगी, वहां पर क्या क्या होगा, कैसे होगा, तब तक तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका होगा। सो डिसाइड कर लो, बदला लेना है या फिर कुछ हासिल करना है। गलती हो गई है, ओके, सब ठीक हो जाएगा। गटर खोदने जाओगी तो बदबू भी ज्यादा फैलेगी। वैसे भी तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए पैसे चाहिए, पैसे ये लोग दे देंगे, पैसे लेकर यह केस सेटल कर दो। अगर कोर्ट में पहुंच गई तो इस केस को जीतने के लिए मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। बस एक बार कह दो कि ये केस जरूरी है, तब सिर्फ ये बड़े लोग ही क्या, दलालों के साथ साथ सरकार के बड़े मंत्री भी क्यों ना आ जाए, सबको उंगली पे नचाने का वादा करता है ये शंकर पांडे। देखो बहन, जो हो गया सो हो गया, आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए, हम करेंगे। मिस्टर सुरेंद्र, अगर अदालत में जाओगे तो दोनों परिवारों की इज्जत चली जाएगी। आप लोग लड़की के माँ बाप है, याद रखिए। जाने दीजिए सर, इसे यही खत्म करते हैं। मैंने कहा था मॉडलिंग मत करो, लेकिन सुना ही नहीं। I'm ready. शिल्पा। खेल खत्म हुआ एसीपी साहब, हमारे लड़के को तुरंत छोड़ दो, देर करोगे तो मीडिया वाले आ जाएंगे।
आने दीजिए ना। आते ही पूछेंगे वो, सकलेचा के बेटे को क्यों पकड़ाया तुमने, यहाँ लाने के बाद केस क्यों नहीं किया तुमने, कहेंगे कितने मिले हैं। सुनो बाकेलाल, छोड़ो, वैसे भी इन कुत्तों के लिए हवालात में जगह नहीं है। घर पे आके पैसे ले जाना। जल्दी, कमाल फास्ट, कैमरा पैन करो, पैन करो। सर, सकलेचा जी के बेटे को आप क्यों लाए थे? एक मासूम लड़की के रेप अटेम्प्ट करने के जुर्म में। तो फिर छोड़ क्यों दिया? उन्होंने साबित कर दिया कि वो लड़का मर्द नहीं है, साथ में डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाए थे। घर पर होता तो साड़ी पहनता, पुलिस स्टेशन आया इसलिए पैंट पहन के आया है बेचारा। सर, एसीपी साहब ने जो कहा वो सच है? 16 आने सच है। अगर वाकई में मर्द होता तो सामने जो साहब खड़े हैं वो हमारी छुट्टी कर देते, समझौते के लिए दलालों को साथ लेकर नहीं आते ये। ए, वकीलों को तुम नहीं समझते, पुलिस वालों को तुम नहीं समझ सकते। तुम लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हो। कानून की किताब पढ़कर झूठी कहानियां रचने में बहुत माहिर हो। हम लोग बिजली से भी फास्ट हैं। हम लोग सोच से भी फास्ट हैं। इंसाफ की आग में सबूत नाम की आंधी को मिलाकर जला देते हैं हम लोग। उसी आग पर सच्चाई का पानी डालकर उसे बुझाते हैं हम लोग। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं जी? यू कीप क्वाइट। मुझे जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी जिल्लत नहीं उठानी पड़ी थी। जाना पड़ा पुलिस स्टेशन में, वो भी एक रेप केस के लिए। सुपर सर, ऐसा तमाचा पहले जड़ा होता तो पत्थर मूरत बन गया होता, कम से कम किसी मंदिर की सीढ़ी तो बन ही सकता था। अब देखिए, घर का कांच तोड़ने वाला एक काला पत्थर बन गया है। यहाँ क्यों आए हो? वादा करके भूल गए क्या सकलेचा? लगता है आजकल बहुत नेताओं से मिल रहे हो। मालती, गेट दैट अमाउंट। उस लड़की का सपना पूरा होने की खातिर तेरा बेटा भी जिंदा है। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो इसको दफनाने के लिए जगह और उठाने के लिए कंधे का मैं खुद बंदोबस्त करके तुम्हें इत्तला कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे बाहर भेज रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला है। ओ एसीपी, आफ्टर ऑल तो एक पुलिस का कुत्ता है, तो उससे डर के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देयर इज नो चांस। नेताओं से पंगा लोगे तो विरोधी बनोगे, वकीलों से पंगा लोगे तो फाइन भरोगे, अगर हम पुलिस वालों से पंगा लोगे तो सड़क पे लावारिश लाश बन के गिरोगे। चलेगी तो सिर्फ एक गोली, नाम होगा एनकाउंटर। उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। भूल जाओ उसे, मरने दे यार। मेरी जिंदगी, स्टेटस, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसे भुला दूं उसे? जब तक जिंदा रहेगी वो मुझे भुला नहीं पाएगी। ऐसा हाल करूंगा कि रोती बिलखती खून के आंसू रोएगी। वेट एंड वॉच व्हाट आई विल डू। अरे जाने देना यार। नो, आई वोंट लीव हर। एजी, जाके पूछिए ना। ए, उसकी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? देखिए, ये लड़का हमारे रिश्ते में है, इससे शादी करा के हम अपने घर में रख लेंगे। लीजिए, जाके पूछिए। क्यों बेटी, कहाँ जा रही हो? एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए। अच्छी बात है। ये लड़का कैसा है? फिर से मेरी शादी की बात। लड़का कैसा है इससे ज्यादा, वो मुझे, मेरे काम को कितनी अच्छी तरह से समझता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हमें भी पता है बेटा। ठीक है, दिल्ली से आने के बाद मीटिंग अरेंज कर लीजिए। ये लीजिए, काम आएंगे। पापा, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी। ये क्या कर रहे हैं आप? आज भी ड्यूटी के पीछे पड़े हुए हैं आप? बेटी को विश करके हौसला बढ़ाइए, इसे हिम्मत मिलेगी। ये देखो इनको,
कल के दिन आपकी बेटी मिस इंडिया बनेगी, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी, तो उसे सिक्योरिटी देने के लिए हमें ही जाने पड़ेगा ना। क्या सुरेनाथ जी, आप भी विश कीजिए बेटे को। ठीक है सर। विश कीजिए। टोपी मुझे दीजिए, लाइए जल्दी दीजिए ना। ये लो पाटिल, होल्ड द राइफल मैन। यस आइए। बेटा सपने देखना आसान है लेकिन उसे पूरा करने की जिद है ना बहुत मुश्किल है, और यही काम हमारे साहब कर रहे हैं। देखो भले ही कितनी मुश्किलें आए, इन्होंने तुम पे जो विश्वास भरोसा रखा उसे मत गंवाना। जिसका कोई नहीं होता बेटा उसका भगवान होता है, हमारे लिए यही भगवान है। हाँ महेश, we are on the way, अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट आ जाइए। हाँ अरे सर सुनिए तो, क्या कर रहे? यू स्टूपिड, स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। बारा नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मुझे चप्पल से मारेगी? मिस इंडिया बनेगी तू? बनाता हूँ तुझे। ओह नो, बताइए क्या है? एसिड। नो नो प्लीज छोड़ दो। क्या हुआ बताओ? गोवर्धन आया था, उसने जो सोचा था वही कर दिया। शिल्पा भी इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकती। वो क्यों? उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर क्या कहते हैं माजी? जान का कोई खतरा तो नहीं है सर, लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या हो गया सर? बैठिए, आप ही हार जाएंगे तो बाकी सबको हिम्मत कौन देगा? मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं? एक ही तो बेटी है सर, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी वो, आपने भी सपोर्ट किया, लेकिन लेकिन आज मेरी बच्ची। सर हम तो उसके सगे माँ बाप हैं, ये लड़की बिना कोई रिश्ते कितने लोगों की मदद कर रही है सर, वहां देखिए सर। सर ये लोग सड़क पर पैसे दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो कह के भीख मांगते हैं सर, लेकिन मेरी बेटी तो हम सभी से बड़ी हो गई सर, आंखें दान करने की बात करती सर, आंखें दान करने की। सर मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं सर, लेकिन वो तो अच्छी लड़की है ना सर, उसके साथ किस लिए हुआ ऐसा सर? हिम्मत से काम लीजिए, अंकल दीदी अब कैसी है? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, और वो मिस इंडिया बन जाएगी ना? सकलेचा, कहाँ है तेरा बेटा? शिल्पा नाम की लड़की पर तेजाब फेंककर गायब हो गया है। इम्पॉसिबल, मेरा बेटा तो शहर में है ही नहीं। रोशनी में घर से निकल जाना, अंधेरे में फिर से घर पर लौट कर आना, ये अपराधियों की कॉमन बीमारी है। तेरे बेटे की गंदी करतूत को अगर तेरा वकील झूठा साबित करने की कोशिश करेगा ना, तो सच्चाई को मैं साबित कर दूंगा, दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, बच्चे इज्जत उछालते हैं, और इज्जत उछालने वाला तेरा बेटा भाग जाने या छुपने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ढूंढ कर रास्ते पे कुत्ते की तरह मारूंगा।
पकड़ा गया तो कानून उसे मारेगा, लेकिन उसका मारा जाना तो तय है। एसीपी, अभी तक मैं चुप बैठा था, अब बोलता हूँ, सुन लो। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई विल प्रूव इट। इसी को तो मैं असली मर्दों वाला चैलेंज कहता हूँ। अब तू जितने वकील बुला सकता है बुला ले, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा। एक बात तो तय है, अपनी इस जंग में तेरी मर्द होने की गलत फहमी अगर दूर ना कर दी तो मेरा नाम शंकर, शंकर पांडे नहीं है। अगर तू क्रिमिनल्स को बचाने वाला ठेकेदार और उनका बाप कहलाता है तो मैं उन्हें मारने वाला हूँ। एक बाप की औलाद। अनिल, अस्पताल में शिल्पा के स्टेटमेंट लेकर पक्का एफआईआर दर्ज करो। केस को स्ट्रॉन्ग बना दो, समझ गए ना? एक एक की चमड़ी उधेड़ कर सड़क पे फेंकना है मुझे। कृष्णा, सकलेचा का बेटा और उसके दोस्त किस कमरे में ठहरे थे, किस टाइम वहाँ पर थे और क्या कर रहे थे, उन हरामियों की पक्की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। डिटेल्स कलेक्ट करो। Okay, कैसे करोगे? सर, वेरी सिंपल सर। उसके दोस्त के बाप को आपका बेटा मासूम है, अप्रूवर बनने को बोलो, वरना खामखा मारा जाएगा। एक ऐसा मैसेज भेज देता हूँ, तब बाप अपने बेटे को फोन करेगा। उस फोन कॉल को हम आसानी से ट्रैप कर सकते हैं सर। लखन सर, अश्विनी को फोन करके बुलाओ। सर, 2438777 स्पॉट टैक्सी। I have given him the number. अश्विनी मैडम, इस केस में शिल्पा से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं। इस केस को फाइल करने से पहले आप सोच लीजिए, whether you want to fight or quit. सपना देखना भी मुश्किल है, और वो सपना जब अधूरा रह जाता है, तब जो बीतती है ना, तब और भी मुश्किल होता है। जब रेप अटेम्प्ट हुआ था, तभी वो स्टेप लेना चाहिए था। कहाँ गई थी? सकलेचा के बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गई थी। उसे क्या फायदा होगा? ये सब सोचकर क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दें क्या? ए, जरा रुक। अनजाने लोगों के बातों में आ जाती है और हमारी बातों को सुनती तक नहीं। शादी की बात ना, बोला ना कर लूंगी। सुनो, ये केस वैसे रहने दो, छोड़ दो। क्या आपको किसी की तकलीफ का एहसास है? जिस पर बीतती है ना, वही जानता है। और आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? सुन, ये सब अपने अपने नसीब की बात है। बहुत लोगों ने ऐसे हजारों केस दर्ज किए होंगे, उन सभी को अगर कुछ मिला है तो 1 या 2 लाख का मुआवजा, समझी? लेकिन इतना तो वो सकलेचा खुद ही दे देगा। मुआवजा क्राइम को नहीं रोक सकता, सजा जरूरी होती है। मरने को तैयार हो जाओ। यस, ऐसे केसेस में तो लड़कियां जीते जी मर जाती हैं। ओ, इसका मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? नहीं, नेवर। अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए हम रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, क्योंकि ये मेरा घर है। इसीलिए कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, फिर से सोचो क्या करना चाहती हो। एकदम मिडिल क्लास मेंटालिटी, मौत और इज्जत दोनों से डरकर ही जीते हैं लोग। इफ यू डोंट माइंड, यू कैन कम विद मी। ठीक है ना? इट्स नाइस। हेलो, मैंने घर के बारे में नहीं पूछा, साथ रहने की बात पूछिए। इसलिए कि मीडिया वाले ऐसी कहानियां ढूंढते रहते हैं, बढ़िया प्रोग्राम बना के धांसू टाइटल दे देते हैं। फैसला आपको ही करना है। एमएनसी कंपनी वाले लिविंग रिलेशन के नाम पे साथ में रहते ही हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ऐसी वैसी बातें तो होती रहेंगे, बी केयरफुल। फिलहाल यही कॉस्ट्यूम है मेरे पास, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा है, शुक्र है कि शर्ट नहीं दी मुझे। लगता है साउथ की फिल्में बहुत देखती हो, उसमें हीरोइनें ऐसी होती हैं। अगर उनका बस चले तो एक ही शर्ट में पूरी फिल्म निकाल दें। ड्रिंक करते हो? यस, कभी कभार। चिंता मत कीजिए, मैं चाहे जितना पीऊं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, इसकी गारंटी है। आपको इसकी आदत नहीं है? आपके प्रोफेशन में तो ये सब कॉमन है। यस, बट आदत नहीं है। एक बार जबरदस्ती वाइन पी ली थी मैंने। बेचारी लड़की। और खाना? फोन कर दूंगा, पार्सल आ जाएगा। नहीं, मैं ही बनाऊंगी। अह
आप शंकर, आप किसी ब्रोकर को जानते हैं तो मुझे किराए पर एक घर चाहिए था। शक करती हो मुझ पे। ठीक है, सुबह बात करूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आप पर कोई शक नहीं। खामोखा मेरा खर्चा। बाहर कितनी भी शेरनी बने, रात को सोते समय याद आ ही जाता है कि वो एक औरत है। यही तो है, लड़की में यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैडम, फैन जोर से चला लीजिए और ये कंबल ओढ़कर आराम से सो जाइए बिंदास। कल सुबह सोचेंगे ब्रोकर के बारे में। कौन है तुम्हारा वकील? बीकॉम एलएलबी। मैं खुद केस लड़ सकता हूँ। क्रिकेट सीखकर फुटबॉल ग्राउंड में आ गए? दोनों जगह गेंद ही होती है, वहां पे गेंद को बैट से मारते हैं और यहाँ पर मैं लात मारने वाला हूँ। और जब मैं किसी को लात मारता हूँ तो गोल में नहीं जाता, जेल पहुंच जाता है। कीप इट अप, कीप इट अप। चलो। नमस्ते हुजूर। नाम है शिल्पा, उम्र है 19 साल, बीएससी डिग्री कर रही हो। आपको मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था पर ले नहीं सकी, और उसकी वजह यह है, गोवर्धन सकलेचा। वजह उसे बता रही हो? कैसे? मेरे चेहरे पर एसिड फेंकने वाला यही है। सच कह रही हो? खामखा क्यों फेंकेगा? वो हरिद्वार का गंगा जल है जो ऐसे ही छिड़क देगा। तुम दोनों के बीच में किसी तरह का अनबन, झगड़ा, हैरेसमेंट ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी हाँ। क्या हुआ था बेटा? ओ, स्विच यहाँ है। अरे कह दो भाई, लाइट हम भी देख लें। इन्होंने मुझ पर रेप अटेम्प्ट किया था। किया था? किस किसने किया था? इसने और इसके दो दोस्तों ने। तो इन तीनों में से किसी ने भी तेजाब फेंका हो सकता है? चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रेप अटेम्प्ट करते वक्त आपने कैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था, आपके ऊपर कौन से कपड़े थे, आपको कहां कहां हाथ लगाया, ये सब कुछ नहीं पूछूंगा। रेप अटेम्प्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ क्या? केस फाइल किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब आपकी इज्जत का कोई मोल नहीं है। उस दिन आप ही ने तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज करवाया था। मतलब कुछ पैसों के लिए आप अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? Come on, हाँ, हाँ, हाँ। आपको मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, है ना? हेलो, है ना? जी हाँ। हाँ, जरा जोर से बोलो बेटा, अकेले मुझे नहीं जज साहब को भी सुनना है, जोर से बोलो। जी हाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो किस लिए? वकील साहब इस केस को छोड़कर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। इनको अपने चरित्र की परवाह नहीं है क्या? है ना, इसीलिए हिस्ट्री ऑफ द केस, हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर, ये सब जरूरी होता है। सो प्यार का नाटक किया, खूब सारे पैसे ऐठे। लड़की अगर वर्जिन नहीं होगी तो, मतलब अगर वो कुंवारी नहीं है तो मिस इंडिया में कम्पीट नहीं कर सकती, ये बात मैंने तुमसे कही थी, है ना? जी हाँ। हाँ, हाँ। ये बात अगर बाहर आई तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, मैंने समझाया और कॉम्प्रोमाइज भी करवाया। लेकिन इसको तो पैसों की लालच है, कल अगर दुनिया को पता चलेगा कि ये वर्जिन नहीं है तो इसकी इज्जत नहीं रहेगी, इसीलिए एसिड अटैक का नाटक कर रही है, इसीलिए इस गोवर्धन सकलेचा जी को बलि का बकरा बना के झूठा इल्जाम लगा के अदालत खींच के लाई है, है ना? नो, ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है बता दो। मुझ पर एसिड इसी ने फेंका है और इसकी गवाह है मेरी ट्रेनर अश्विनी। नाम है अश्विनी, एज 24, आई एम ट्रेनर। पैसे इतना भी ट्रेन करती हो? मॉडल ट्रेनर। रहती कहाँ हो? पहले मैं मॉम डैड के साथ थी, अब मैं एसीपी शंकर पांडे के साथ रहती हूँ। तो आप दोनों की शादी कब हुई थी? शादी नहीं हुई है। आज के जनरेशन हद से ज्यादा फास्ट है हुजूर। ये बताओ, शादी होने से पहले ही एक मर्द के साथ, वो भी अनजान मर्द के साथ रहना ठीक है क्या? बस मन साफ होना चाहिए, शरीर भले ही खराब हो जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो किस लिए? आपके लॉयर कहाँ है? मैं खुद पैरवी करूंगा, इसकी एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ। ये अच्छा है। मिस्टर रॉय, कंटिन्यू। मैं क्या कंटिन्यू करूंगा हुजूर? गंदगी की क्वालिटी की जांच करने के लिए एक सुअर को बुलाया है। ये
अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाने के लिए यही एक रास्ता बचा। अरे रे 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 रे, ए, ये सब क्या है? साड़ी पहनती नहीं हो या पसंद नहीं है? लगता है पैंट सुखाने के लिए रखा है। जरा ऐसे घूमो, अंदर जाओ, साड़ी पहन के आओ। ये अच्छा है तुम लोगों का, लड़कियां बदन दिखाने वाले कपड़े पहने तो देख के एंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी बीवी को कोई नहीं देखे ये सोचकर साड़ी में लपेटते हैं। सच में ये सारे के सारे मर्द ना, शादी होने के बाद हमारा बच्चा दूसरों की बीवी सबसे अच्छी, राइट? हमारा बच्चा दूसरों की बीवी, ए बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो तुम लोग भी कहाँ किसी से कम हो। शादी होने से पहले कहती हो कि मेरा पति बहुत ही मर्दाना हो, वहीं सड़क पे चलते वक्त ये भी चाहती हो कि तुम्हारा पति मर्दानगी छुपा कर रखे। तुम औरतें भी कब रंग बदलोगी, भगवान भी नहीं समझ पाया आज तक। तुम लोग तो मौका ढूंढते रहते हो। मौका मिले तो कोई छोड़ता है क्या? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अरे धर तो। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, जरा सोच लो। केस में आगे बढ़ोगे तो अभी सिर्फ मुंह जला है, बाद में इज्जत भी जाएगी। परवाह नहीं है। बहुत भरोसा है तुम्हें इस पर? यस, बच्चों को माँ बाप पर भरोसा होता ही है। समझ नहीं पाए ना, बच्चों को माँ खेल खेल में जब ऊपर फेंकती है तो बच्चा हंसता है, किस लिए पता है? ये आदमी तेरा माँ बाप है क्या? हाँ यही समझ लीजिए। मैं भी एक बात बताता हूँ, जिंदगी में लोगों की सेवा करना ही इसका सबसे बड़ा सपना था। तुम सबके पास तो बहुत पैसे हैं, पैसे दे करके इसके सपने को पूरा करवाइए। What's your opinion, मालती? क्या बोलती हो? अगर आपको मंजूर है तो हम केस वापस ले लेंगे। नो, मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ मिडिल क्लास वालों में चर्बी ज्यादा होती है। आ जा। शादी हो गई, अच्छा है। गवाही के लिए कोई नहीं मिला तो बीवी को बुला लिया। लास्ट वीक में शादी नहीं हुई थी ना? अगले हफ्ते डिवोर्स हो जाए तो आश्चर्य नहीं। ओके, ये एसिड अटैक जब हुआ वहाँ कौन कौन थे? मैं थी, शिल्पा और टैक्सी ड्राइवर। छुड़ाने की आपने कोशिश नहीं की? कोशिश की थी मगर ड्राइवर घबरा के भाग गया। सेफ बना दिया। आप झांसी की रानी चित्तौड़ की रानी के देश की है ना, आपने प्रूव कर दिया। बताओ, तुम जब छुड़ाने गई थी तुम्हारे बदन पे कुछ नहीं गिरा, उसके चेहरे पर बस जरा सा मेकअप किया हुआ वैसा घाव हुआ है ना, आप ही ने किया होगा? नो हुजूर, एसिड फेंकने वाले का हाथ जले ये तो नामुमकिन है। यहां मेरे मुवक्किल के हाथ में जलने का निशान है, सो ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है ऐसा मुझे लगता है। नो यस, किसी को पता ना चले कि वो कुंवारी नहीं है और मिस इंडिया कंटेस्ट छूट जाने के बाद लोगों की सिंपैथी मिलनी चाहिए, सकलेचा परिवार से पैसे ऐंठने हैं, यही इनका मंशा था। नो योर ऑनर, नो। लीजिए, लीजिए ना, पहुंच लीजिए। देखिए, मुझे औरतों को रुलाने में दिलचस्पी नहीं है, मगर ये जो सच है ना, ट्रुथ, वो बहुत ही कड़वा होता है। जाइए, हो गया, जाइए आप। उस ड्राइवर को बुलाना चाहूंगा हुजूर। इजाजत है? कितने सालों से ड्राइविंग कर रहे हो तुम? 4 सालों से सर। ड्राइविंग करते समय सिगरेट पीना, पान परा खाना, शराब पीना, स्टाइलिश गॉगल्स पहनना, ऐसी कोई आदत है? ऐसी कोई आदत नहीं है सर। नहीं है? नहीं सर। वेरी गुड कंडक्ट। सब लोग आपकी तरह हो तो ट्रैफिक पुलिस को काम और आमदनी दोनों कम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अपने काम के दौरान कितने लोगों से पहचान हुई और कितने लोगों को पहचान सकते हो? ऐसा स्पेशल कस्टमर तो कोई नहीं है सर। कोई नहीं? नहीं सर। और उस दिन ये सकलेचा साहब ने कौन से कपड़े पहने थे? ब्लू जींस और ब्लू जींस टी शर्ट और ब्लैक जैकेट करो, टोपी, चश्मा। यकीन से कह रहे हो ना? जी सर। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें आई साइट की समस्या है, इसके रिपोर्ट सब मेरे पास है। हाँ हुजूर आला, ये आदमी किसी को पहचान नहीं सकता, आंखें भी ठीक नहीं है, और ऐसे में उस दिन सकलेचा था, यकीन से कैसे कहते हो? तुम्हारे कहने के मुताबिक जून 14 की रात को गोवर्धन सकलेचा बेंगलोर आया था, ये नामुमकिन है, इसलिए कि उस दिन ये ऊटी के कोनार्क होटल में ठहरे थे। रात को 8:30 बजे, मतलब इस वाकये के ठीक 1.5 घंटे पहले, लैंडलाइन से अपने घर पर फोन किया था, और उसके डिटेल्स और बिल्स वगैरह यहां पे। क्या कोई 1.5 घंटे में वहां से बेंगलोर आ सकता है क्या? सो दिस इज टोटली प्लान्ड गेम प्लेड बाय शिल्पा एंड अश्विनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी।
हर बात पर ऑब्जेक्शन बोल रहे थे, कहिए क्या कहना है। लॉयर रघुनाथ राय ने बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले तैयार किया है, इन्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। बहुत सारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि उनके पास कहानी नहीं है, इन्होंने जो कहानी गढ़ी है वो किसी रीमेक से कम तो नहीं है। ही इज टू स्मार्ट। अश्विनी के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन ड्राइवर गणेश जी को दूर की कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन जो भी चीज नजदीक है बहुत आसानी से बहुत साफ साफ देख सकता है, ऐसा सेम डॉक्टर सेम टाइम पर सर्टिफाई कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट ये रही। इंसिडेंट होने के ठीक एक घंटे पहले फोन किया गया, इसका सबूत आपके पास है। वो फोन किसने किया, वो आवाज किसकी थी, या उसकी आईडी या कोई वीडियो क्लिपिंग क्या आपके पास है? चाहूं तो मैं भी आवाज बदल के बोल सकता हूं। जिस दिन वाकया हुआ उस दिन दोपहर को ठीक 1:30 बजे ऊटी से बेंगलोर जाने के लिए एक गाड़ी बुक की गई थी मंजू टूर्स एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनी से। उसे बुक करने वाले थे कार्तिक सिन्हा साहब। मंजू टूर्स एंड ट्रेवल्स, बेंगलोर जाने के लिए गाड़ी चाहिए थी, मिलेगी? हुजूर, गोवर्धन जी के खास दोस्तों में ये भी एक दोस्त हैं। इस बुकिंग से जुड़े बिल्स यहां पर हैं। योर ऑनर, उसी दिन दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास शेट्टी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस नामक कॉलेज का नाम लेकर नायडू लेबोरेटरीज से हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 खरीदा गया है, और खरीदार का नाम प्रेम शेट्टी फ्रॉम शेट्टी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये है गोवर्धन जी के एक और खास दोस्त। ये शेट्टी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के मालिक हैं, गोवर्धन के खास दोस्त प्रेम शेट्टी के पिताजी। ये सब होने के बाद मुझे एक डाउट है। मिस्टर गोवर्धन ने जब तेजाब से हमला किया था तो उनके साथ कार्तिक सिन्हा और प्रेम शेट्टी, ये दोनों रहे होंगे। प्लीज परमिट मी टू इंक्वायर देम योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। हम इस केस से इससे मेरा कोई मतलब नहीं है सर। ये बात तो जज साहब डिसाइड करेंगे। आपको छुड़ाने के लिए सारी तैयारियां वकील साहब कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं आप लोग क्लोज फ्रेंड हैं, हमेशा से चट्टान की तरह एक साथ हैं। गोवर्धन के साथ आप दोनों हरासमेंट में शामिल रहे हैं, रेप अटेम्प्ट में शामिल रहे हैं, एसिड अटैक में भी शामिल रहे हैं। शायद इस पर तेजाब फेंकते वक्त बाय चांस गलती से थोड़ा सा तेजाब गोवर्धन जी के हाथ पर गिर गया था। आप ही बताइए ये किसने किया? नहीं जानते सर। सच बताइए। पता नहीं सर। आंख में देखकर बोलिए। हम सही बोल रहे हैं सर। अदालत है ये। झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ नहीं बोल रहे। जेल जाना पड़ सकता है। हमारी बात सुनिए। भगवत गीता की कसम खा चुके हो। दोस्त को बचाना चाहते हो? नहीं सर। बेल भी नहीं मिलेगी, जिंदगी तबाह हो सकती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्ही ने किया। तो फिर किसने किया है? यस, गोवर्धन ने किया है। मैं आपसे माफी चाहूंगा हुजूर, सच का पर्दाफाश करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जान गंवाने की नौबत आए तो कोई दोस्त साथ नहीं देता, इस बात के ये लोग सबूत हैं। गोवर्धन के साथ ये दोनों थे, लेकिन एसिड अटैक में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हुजूर। वो किस लिए? हुजूर, ये लड़के मासूम है और वो वर्दी में है। लड़कों को डरा के इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो उनकी कत्नी सच नहीं होगी हुजूर। क्यों नहीं सर? अश्विनी ने एसिड फेंका है और वो गोवर्धन के हाथ पे गिरा है, ऐसा कहा था ना? तो फिर गोवर्धन बेंगलोर में मौजूद था? आया होगा। लेकिन बेंगलोर आया तो इसका मतलब एसिड डालने के लिए नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पहले आप ही ने कहा था आया होगा, जरूर आया है। आपको 2 दिन टाइम मिला तो आप शायद मान जाएंगे कि उसी ने गुनाह किया। मिस्टर रॉय, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपसे बात कर रहे हैं मिस्टर रॉय। हुजूर कुछ पूछ रहे हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं कि नहीं? हुजूर, मैं और भी विटनेस पेश करना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा वक्त मांगता हूँ हुजूर। इस केस की अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी। गुड लक। बहता हुआ पसीना, ये छूटती हुई सांसें, तुम्हारे चेहरे पर हार का डर साफ झलक रहा है। जब रघुनाथ राय केस लेता है तो जजमेंट मुझसे पहले लिखवा के आर्गुमेंट बाद में सुनते रहते हैं सारे जजेस। तो फिर बीच में ही क्यों रोक दिया? छोटी मोटी रुकावटें तो महाभारत के युद्ध में भी आई थी अगली रणनीति बनाने के लिए। एक कमीना इंसान और कर भी क्या सकता है? दूध के धुले हो क्या? किसी के दबाव में, इन्फ्लुएंस में असली मुजरिमों को छोड़ देते हो, इनोसेंट्स को पकड़ के उन्हें गुंडा बताते हो। असली मुजरिम तो तुम हो। स्लम में कोई मामूली झगड़ा हो जाए तो हीरो की तरह घुसते हो, वही रईसों के इलाकों में कुछ हुआ तो कुत्तों की तरह दुम दबा के भागते हो, लाख रुपए से शुरू करके हजार में सेटलमेंट कर लेते हो। इसीलिए हाल में एक पिछले सीएम ने मीडिया में पुलिस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट बोला था। बोला होगा, और वो कर भी क्या सकते हैं?
मुजरिम अगर तुम्हें पैसे देता है तो अपना ईमान ताक पर रखकर उसे छुड़ा लेते हो। एक तरफ तो अपने काम को धर्म बताते हो और दूसरी तरफ देशद्रोहियों को छुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कौन कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चाहिए? बुलाओ उसको यहाँ। अगर हम लोग एक हफ्ता चुपचाप बैठ जाए ना तो तुम्हारे घर की औरतें जहर खाकर या फांसी लगाकर लटकती मिलेंगी। घर के मर्द सड़क पे अनाथ बनकर पड़े होंगे, तब समझोगे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या होता है। पुलिस और फौज में भर्ती होने के लिए मर्द होने का सर्टिफिकेट काफी नहीं है, मर्दानगी की एक्स्ट्रा क्वालिटी भी होनी चाहिए। वो होगी तभी डिपार्टमेंट में शामिल हो सकते हो, ये कपड़े पहनकर जी सकते हो। माइंड इट। तुम हो तो पुलिस डिपार्टमेंट में, करते हो इन्फ्लुएंस लोगों के लिए दलाली का काम। What is this? ये क्या हुआ है आप सबको? हैं? हमको नहीं, उसको बोलिए। इज्जत से हमें दोगे तो तुम्हें मिलेगी। पुलिस को क्या तुम डिक्टेटर समझते हो? आप वकील लोग खुद को भगवान समझते हो या सच्चाई के? ओहो, इन लोगों को आपस में लड़के मारने दीजिए। आप तो चुप रहिए जी। इन लोगों को बुद्धिमानी को रिवोल्ट करने का मौका देंगे तो बैंड बच जाएगी हमारी। इसलिए किसी भी तरह कम्प्रोमाइज करवा के इनको हमारे काबू में रखना होगा। अगर हम इन लोगों से पंगा लिए ना तो पुलिस वाले केस डालना रोकेंगे नहीं, बेल दिलाने के लिए एक भी लॉयर आएगा नहीं, तब आप क्या करोगे? आप भी ना सब। कुछ भी नहीं, इसको बोलिए माफी मांगे। मैं क्यों मांगू? वरना हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कोई गलती नहीं की। देखिए, आज तो हम डिस्कस करने आए हैं, कल से स्ट्राइक करेंगे। अगर तब भी नहीं झुके तो ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक करेंगे। एक भी एक छोटा सा केस भी नहीं चलेगा। हाँ। अरे भाई, सौतेले भाई की तरह झगड़ा करने वाली अपोजिशन पार्टी वालों के साथ चुनाव होने के बाद हम भी दोस्तों की तरह रहते हैं, ये क्या लगा रखा है? गटर में सुअर उतरता है, हंस थोड़े ना उतरेगा। अब जो भी हुआ उसे भूल जाइए। शंकर पांडे, माफी मांग लीजिए ना। उस वकील की भी तो गलती है। अरे चुप रहिए ना, वो तो हमारी हड्डी तोड़ने की बात करता है। कमिश्नर साहब, आप ही बोलिए। मिस्टर पांडे। सर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को टालेंगे नहीं। गलती तो इन्होंने भी की है सर। हाँ, पर तमाचा मैंने नहीं मारा था ना। सॉरी सर। सर, पुलिस ने आपको मारा था, उसका क्या हुआ? माफी मांग ली। वो तो ठीक है, मगर उन्होंने मारा क्यों? जिसमें दम नहीं होता वो ऐसा करता है। कहावत है ना, हाथ से बात करना गलत है। पुलिस मारे तो आवाज आती है, लेकिन भगवान और वकील ने मारा तो आवाज नहीं आती, वो दर्द सहन भी नहीं होती। ये सच उसे पता चल चुका है। पुलिस वाले बुलशिट। सर, हम लोग भी स्ट्राइक करेंगे। हम में और उनमें कुछ तो फर्क है ना। बेवकूफ लोग स्ट्राइक करते हैं और बुद्धिमान जिम्मेदारियां समझते हैं। उस दिन तक मेरे और आपके बीच कानूनी जंग छिड़ी हुई थी, वो हमारी जाती लड़ाई बन चुकी है। कोर्ट में उसके आर्गुमेंट सुनता हूं तो आपकी हार के साथ ही मेरे बेटे की मौत भी निश्चित लग रही है। नो, इस रॉय के क्लाइंट को बचाने के लिए आईपीसी सेक्शन की लूपहोल्स की जरूरत नहीं। इस लॉ बुक में जहां कीड़े ने काटा है ये दरार काफी है। फिर भी गवाही देने वाला का मुंह बंद करके इंसाफ के लिए लड़ रही इंसाफ की देवी की तरह उनकी भी आंखें बंद करवा ली। मतलब कत्ल? हरगिज नहीं। देखिए, एक ही बेटा है, अब आपके बच्चे तो नहीं होंगे ना। देखिए, ये सब तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। चाहिए तो फीस के नाम पर आई विल गिव यू सम अमाउंट, आगे आप ही संभालिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ, रईसों में मर्दानगी नहीं होती। उनके पास पैसे बहुत हैं, गरीब के पास बच्चे बहुत हैं। ओके, गांधी नोट आप भेज दीजिए, गोट से मैं भेज देता हूँ। हेलो, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। सर, सुल्तानपुर में कुछ गड़बड़ हो गई है सर। आप कुछ लोगों को लेकर जाइए। यस सर। आपके पास वॉकी सॉरी मोबाइल तो है ना? है सर। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल कीजिए। ओके सर, जाइए। सर, सास बहू का कोई झगड़ा है, फोन आया था। दुनिया में एक ही परेशानी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सास बहू की लड़ाई। जाओ जाके देख लो। सर, जेली के रूम पे अटैक होने वाला है। देखो बेटे, जिंदगी का मतलब औरत, शराब, मजा, ये सब कुछ नहीं है। हाँ सर। पैदा हुए हो तो
कुछ करके दिखाओ। ठीक है सर। माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है सर। समझ गए ना? हाँ सर। गुड। हाँ। A407 छोड़ दो इस लड़के को। हाँ बोलो सुरेंद्र। सर घर की हालत कैसी है? जजमेंट आने तक तो थोड़ा टेंशन रहेगा सर। ऐसे समय में आपको घर पर ही रहना चाहिए था। जब सामने हार नजर आने लगे तो दिल में जीत का जोश दुगना कर लेना चाहिए। जी हाँ सर। जाइए घर जाइए। जाइए ना सर। लेकिन यहाँ मैं हूं ना यहाँ। ओ तो आ गए आप लोग। आपका ही इंतजार था। कुछ पैसे दोगे तो शहर के गली गली में ऐसे खिलौने मिल जाते हैं कुत्तों, लेकिन उससे खेलने की मर्दानगी तो मर्द लेकर पैदा होता है। के बोल दो उसको, जान निकालना लाशें गिराना हमारा काम है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तो उसके घर पर जाकर मारूंगा, घर के अंदर मारूंगा, कोर्ट के बाहर मारूंगा, सिर्फ फिर गया तो कोर्ट के अंदर भी मारूंगा। जज चाहे ऑर्डर ऑर्डर बोलता रहेगा लेकिन मैं उसको मारता रहूंगा। जाके बोल दो उसको आज रात उसके सपने में भी आऊंगा। जाओ बोल दो। कौन है आप? क्या है ये? इसमें 5 लाख है। अदालत में सकलेचा के बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देनी है, ओके? 5 दिन हो गए मिस्टर रॉय, कंटिन्यू कीजिए। हमारे एसीपी साहब ने बताया है, फोन कॉल में एक टाइम होता है पर इनवॉइस नहीं होता। उसी तरह कार बुक करते समय इनवॉइस होता है। अपना आईडी कार्ड छोड़ के गया था क्या, या फिर तेजाब खरीदने वाला फोटो देकर गया था? कार्तिक सुवर्णा और प्रेम शेट्टी दोनों से जो बयान लिया गया है, इट्स प्योरली इमोशनल ब्लैकमेल। इसका सबूत यहां पे है। चुपचाप अप्रूवर बन जाओ, उस लड़के से दूर रहो कहकर कार्तिक के घर पे पुलिस स्टेशन से धमकी आई है, और इसका क्लेरिफिकेशन तो उसके पिता ही देंगे। हाँ हुजूर, कृष्णा ने फोन करके हमें धमकाया था। हुजूर अश्विनी के बारे में कहूंगा, उसका रहना है ग्लैमरस फील्ड में, वहां पे पैसे शराब सेक्स इन सब का कोई मतलब नहीं है। बिंदास होकर, बिंदास बोलने से बेहतर खुलेआम जीने की आस रखने वाली कैरेक्टरलेस लड़की। ये बात मैं नहीं कहता, इसके माता पिता कहते हैं। हाँ हुजूर। कहते थे कि रहन सहन सुधारों पर मानी नहीं, पूछने पर फैशन का बहाना बनाती थी, कहते थे कि यंग जनरेशन है। हुजूर इज्जत बचाने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं है, अपना शरीर ढकने की कुछ लोगों की नीयत नहीं है, ये लोग समाज पे धब्बा है। सो गलत संगत से सन्यासी भी बिगड़ते हैं। शिल्पा इसकी संगत में बिगड़ गई।
जो सेवा करना चाहती थी उसे पता चला कि आसानी से पैसे बना सकते हैं, सो एक नाटक रचा गया। तो फिर गोवर्धन सकलेचा बेंगलोर क्यों आया था? अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप जाने वाला था। उसी दिन वो एयरपोर्ट पर जाकर मिला था, बस उसके नाम पर बुक किया गया एयर टिकट। एनी कंफ्यूजन्स? शायद ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपका क्या कहना है मिस्टर पांडे? अब कहने को क्या बचा है हुजूर? आपने 5 दिन बाद की तारीख दी थी, तभी मुझे लगा था कि सच्चाई से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है, लेकिन यहां आने पर पता चला पुराने गवाहों को रास्ते से हटाकर नए गवाह तैयार किए जा रहे हैं। आप इसी तरह नई तारीख देते रहेंगे तो इंसाफ के लिए लड़ने वाले गरीब इसी अदालत के सामने तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फाइल पर तारीख पड़ती है, केस लड़ा जाता है, इंसाफ की देवी बस बिलखती रह जाती है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप आगे की तारीख मत दीजिए। भले ही हमें इंसाफ ना मिले, कम से कम इस तरह भटकना तो नहीं पड़ेगा। पांडे साहब ने मुझे बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखने वाला बताया था, अब आपने बनाया है सेंटिमेंटल इमोशनल स्क्रीन प्ले। कोर्ट को तो चाहिए गवाह, विटनेस, गॉट इट? सारे गवाहों और सबूतों के बिना पर गोवर्धन सकलेचा और उसके दोस्तों पर लगे सारे इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है, यह साबित हुआ है। लिहाजा मुलजिमों को बेकसूर ठहराते हुए उन्हें इसी वक्त रिहा करने का आदेश ये अदालत देती है। और मिस शिल्पा के चेहरे पर घाव हो जाने की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो सका, उसके लिए ये अदालत खेद प्रकट करती है और असली अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग को सख्त कदम उठाने का आदेश देती है। शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा उठो बेटा, उठ बेटा, उठ जाओ। चलो शिल्पा चलो, डोंट लूज योर होप्स, कम ऑन, बी ब्रेव शिल्पा। शिल्पा, माँ बाप, बच्चा, भरोसा, हाँ, इस युग में माँ बच्चे को फेंक देती है, ऐसे युग में किसी और के बच्चे को सुला के लोरी सुनाएगा? रघुनाथ रॉय, केस इज क्लोज। आ बेटा, यहां पर बैठो, हिम्मत मत हारो, वी हैव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है, वी विल फाइट, वी विल फाइट। नहीं लड़ना है मुझे सर, बस हो गई है ड्रामेबाजी। लोग आते हैं, भगवत गीता पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सच ही बोलूंगा, अगर उसके बाद कहते हैं कि उस दिन झूठ बोला था, आज सच बोलूंगा, किस पर यकीन करूं? इंसाफ मांगना तो हमारा हक है ना, और ऐसे में सच्चाई की राह पर चलना उनकी ड्यूटी है ना। अच्छा आप भी कह रहे हैं ना सर, आपकी वो कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब में क्यों नहीं है? मुझे तो बस एक ही बात का दुख है सर, कि उन बच्चों के लिए अब मैं किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ सलामत होने के बावजूद भी हम मुश्किल से जीते हैं, पर वहाँ पर जो रहते हैं किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, और कुछ के तो माँ बाप भी नहीं है सर। कहाँ जा रहे हैं? पाप और पुण्य इस तराजू में एक समान होने चाहिए थे, पुण्य के बदले सम्मान, पाप के लिए कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। राक्षसों का संहार करने के लिए कानून और इंसानियत को भूलना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। उन्होंने जो किया वो सही था क्या? एक मासूम लड़की पर रेप अटेम्प्ट करके एसिड डाला है, वो सही था? यहाँ लोग डरते नहीं है, यहाँ लोग मच्छर से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, मलेरिया से डरते हैं, डेंगू से डरते हैं, लेकिन कानून से नहीं डरते। कानून इस देश में गटर में पड़ा हुआ बिलबिलाता कीड़ा बन गया है, किस लिए? अब मैं लोगों में ये डर पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगा। यस नो अश्विनी, इंसानियत भुलाना ही पड़ेगी मुझे। क्यों मारा मुझे? क्या करती, कितनी बार रोका आपको मैंने? कितने सालों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं, सोचो उन्हें कैसे मारूंगा मैं। ऐसे क्या घूर रहा है? क्या तू अपने ही बाप की औलाद है? किसी भी एंगल से तू एक बाप का तो लगता नहीं है।
जब तू पैदा हुआ था तो तेरा बाप बिजनेस में बिजी होने के कारण घर नहीं आता था, ये बात सच है क्या? देखो बहुत हुआ, अच्छा नहीं होगा। ये सच है कि तुझे बचाने के लिए तेरा बाप इंसानियत भूल गया, पर he is a very good clean businessman, बहुत ही अच्छा इंसान है। तुझे देखकर लगता है तू किसी घटिया इंसान का बेटा है। तू मारेगा तो उम्र कैद की सजा मिलेगी, और मैंने मारा तो सिर्फ 15 दिन के लिए सस्पेंड होऊंगा। सर, हमने कुछ और नहीं, कितनी लड़कियों का रेप करना चाहते हो और कितनी लड़कियों पर तेजाब फेंकना चाहते हो, तो ये बात अदालत में बोलोगे? अदालत बंद होने से पहले जाके केस ओपन करवा दो। प्रेम रुको, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। रुके तो एनकाउंटर कर दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अदालत बंद हो जाएगी। यही तो मैं चाहता था बेटे। अप्रूवर को तुमने गोली मार दी है, मैं आया तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तूने पुलिस ऑफिसर को ही शूट करने की कोशिश की है, और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए अभी तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। देखो देखो, ऐसा नहीं करना। होल्ड द गन, कम ऑन, होल्ड द गन आई से। सर, शूट कर दो कमीने को। रुक जा, मेरे डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज शहर में तेजाब फेंककर औरतों का चीना हराम करने वाले यही लोग हैं, एक भी साला बचना नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, अभी लाके दूंगा। न जाने कितनी औरतों का इन जैसों ने बलात्कार करके उन पर तेजाब फेंककर मार डाला है। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को कवा कर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं इनकी वजह से। ये जिंदा रहेंगे तो न जाने कितनी औरतों का जीवन नरक बन जाएगा। शूट हिम मैन। गुड शॉट। आप जैसे लोगों को स्टेशन के बाहर नहीं होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। सर, अब आगे? शंकर पांडे इज रेडी फॉर इंक्वायरी कमीशन। दिस इज टू बैड मिस्टर पांडे, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर ने उसे मार डाला। नहीं मारता तो मुझे शमशान भेजकर फोटो पे हार डाल के फैमिली को कंपनसेशन दिलवा देता सर। नो, इट्स टोटली योर ब्रेन गेम। नो सर, उन तीनों दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ था, पुलिस स्टेशन फोन करके कंप्लेंट की थी, उसकी फाइल में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है सर। ये सोचकर हर कातिल को हम अपने डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच सर। डिपार्टमेंट के लोग ही डिपार्टमेंट के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बी अ फ्री बर्ड। So you want to become a killer? I want to become a protector because I am a responsible citizen of India, sir. उस दिन आपने कहा था कि पैसे वाले ही देश को चलाते हैं। आपकी बात भी सच निकली सर, लेकिन ये भी पता चला कि उसी देश में एक पुलिस डिपार्टमेंट भी है जो अच्छी जगह ट्रांसफर करवाने के लिए, सिफारिश के लिए, प्रमोशन के लिए या किसी ऑब्लाइजेशन के लिए समझौता करता है, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है, इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लोगों को अच्छी तरह पता है कि कहीं भी फसाद या स्ट्राइक हुई तो हम वहां पर पहरा देते हैं। जब सब लोग त्योहार, छुट्टियां, न्यू ईयर मनाते रहते हैं तो पुलिस वाले अपनी डबल ड्यूटी करते रहते हैं। कोई बड़ा नेता अगर शाम को शहर में आता है तो हम सुबह से सड़क को ब्लॉक करके रास्ता ताकते रहते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं सर, पर उन्हें पता नहीं होता कि गलती हमारी नहीं है। किसी बड़े आदमी का फोन आते ही खड़े होकर हंसते हंसते उनके सामने काम करने पड़ते हैं, और कभी कभी तो हमें बड़े लोगों के लिए भड़वागिरी भी करनी पड़ती है। क्यों चाहिए सर ऐसी गुलामी? उनकी हर बात सुन के मुस्कुराते हुए हिजड़ों की तरह ताली बजाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा नहीं किया था सर। शंकर पांडे नाम है मेरा। शंकर मतलब विनाश करने वाले भगवान, ये असली मर्द का नाम है। गुड बाय। एक पुलिस वाले की बेटी पे जुल्म हुआ, उसको भी इंसाफ नहीं मिल पाया। सोचिए आम लोगों की हालत क्या होती होगी। उन लोगों को इस हालत में लाने के लिए 15 से 20 सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें अदालत में मुआवजा मिलता है महज 3 से 4 लाख रुपए का। बहुत बड़ी रकम है ना ये? साथ ही साथ उनके घर वालों पर जो बीतती है उसका अंदाजा है आपको? मेरे साथ मेरे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करने वाले उस आदमी को अदालत ने सिर्फ 6 साल की सजा दे दी। आज तक मुझे 11 ऑपरेशन करने पड़े, उसके लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ी, तो मेरे माँ बाप को कई जगहों से कर्ज लेनी पड़ी। सजा तो जरूर हुई है,
लेकिन मेरा पति तो जेल के अंदर बड़े आराम से जी रहा है। जब उन्हें भी हमारी तरह घाव होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हमारा दर्द क्या है। ये देख के ऐसा लगता है कि असली सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है, वो तो आराम से अंदर बैठे हैं। उनको और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो चाहती हूँ कि जिंदगी भर वो सलाखों के पीछे ही रहें, फांसी भी मिल जाए तो भी कम है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों के हाथ में चाकू छुरी बंदूक राइफल ये सब नहीं होने चाहिए, यही कहते हैं आप लोग। उसी तरह तेजाब भी नहीं होनी चाहिए। ये तेजाब ऐसी चीज है जो कि जिंदगी को नरक बनाकर रख देती है। कैमरा देखते हीरो बन गए। जय जयकार करने वालों के सामने दो नंबर का पैसा उड़ाकर हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है सर। असली हीरो बनने के लिए मन साफ होना जरूरी है, दिल मजबूत होना चाहिए। ये दोनों आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी अकल तो तेज चलती है लेकिन धड़कन बहुत सुस्त है। गुड नाइट। उन औरतों के केस के बारे में आपको इतनी चिंता क्यों है? बताता हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। तुम तो बहुत पढ़ना लिखना चाहते हो, तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पढ़ना चाहता है बेटा? बड़े होके क्या बनोगे तुम? फीस मैं दूंगा, चलोगे क्या? नहीं जानता आप कौन है, आप क्यों फीस भरोगे? मैं नहीं बेटा। तो कौन भरेगा? और मैंने आईपीएस पास कर लिया। आईपीएस? ये आईपीएस क्या होता है बेटा? बाबा पता नहीं। बाबा माँ बाबा ने जो पढ़ना है पढ़ो बेटा, लेकिन पैसा मत मांगना। नमस्ते अंकल, आईपीएस पास कर लिया, अच्छी जगह पोस्टिंग मिल रही है। चलो अच्छी बात है। जो औरत मेरी फीस भरती रही है हाँ? एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। आपके हाथ जोड़ता हूँ, इनकार मत कीजिए, एक बार मिलकर चला जाऊंगा। अच्छा मैं देखता हूँ। इसलिए मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं किसी से प्यार करती थी, यही सोचती थी कि वो भी मुझे प्यार करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो मुझे मिठाई की तरह अपने दोस्तों के बीच बांट देगा। मैंने सब कुछ खो दिया। कानून के जरिए इंसाफ चाहती थी, इसलिए अदालत में गुहार लगाई, एसिड फेंक कर जला डाला। तब भी मैं कोर्ट गई, लेकिन हमारे इस देश में लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं लगा सकता, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन अदालत ने मेरी इज्जत की कीमत लगाई, सिर्फ 10,000। ये साबित हो चुका है कि बलात्कार हुआ है। अदालत मुजरिम को 10,000 रुपयों का हर्जाना देने का आदेश देती है। वहां भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो भगवान से बचकर नहीं जा सका, एक एक्सीडेंट में मारा गया। तभी से मैंने ये लड़ाई, ये बदला, सब कुछ रोक दिया और सेवा की दुनिया में चली आई। उस दिन हमारी मैडम को इंसाफ नहीं मिला और आज उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, कब तक मैं ये सब सहता रहूंगा? गरीब आदमी रोटी के लिए चोरी करता है, पागलपन में कत्ल हो जाता है, लेकिन ये रेप और एसिड अटैक, इट्स अ प्री प्लांड, इंटरनेशनली प्लान करके करते हैं। इस समाज से ऐसे प्लांड मुजरिम बचने नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसे अपराधियों को मैं खत्म करके रहूंगा। मैं निकला गड्डी लेकर रास्ते में। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये पीपीओ वाली लड़कियां कैसी है? शुरू शुरू में तो बहुत नखरे दिखाती हैं, बाद में सब एडजस्ट कर लेती हैं सर। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी प्रतिभा? मरते समय हर कोई माफी मांग लेता है, लेकिन तुम जैसों को मौत का खौफ दिखाना ही मेरा काम है। ऐसे हरामियों का भगवान कभी भला ना करे। गोविंदा गोविंदा।
टूर पर आने वाली लड़कियां अपने पास मोबाइल न रखें, घर पर फोन भी न करें, अपना आता पता भी न बताएं। यही कहा था ना, सारे बच्चों की रक्षा करने वाला फादर बनाया आपको, आप तो मारने वाले हैवान बन गए। जो चीज खो गई हो, जो चले गए उनके बारे में सोचना, इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। आपके लिए सब कुछ एक बिजनेस है, यही ना? नो मालती, यू हैव मिस्टेकन मी। उस पुलिस वाले की बात सच निकली, बच्चे ही खानदान को तबाह करते हैं। बुरे बच्चे के लिए बुरा बनने से बेहतर है कि हम लोग अच्छे बनकर जिए। इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ फैक्ट। चीयर अप मालती, इस दुनिया में कई सारे बच्चे हैं, बेटे को ही सब कुछ मत मानो। सुनो जी, सुनिए। ओके, आप सब जाइए। ओके, कीर्ति के बारे में सबके सामने बात मत करना बोला था ना, क्या बात है? आज सुबह से ही कीर्ति हॉस्टल से गायब है, क्लास में भी नहीं गई, दोस्तों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। हेलो कमिश्नर सर जी, मैं रघुनाथ राय। हाँ बोलिए। सर मेरी बेटी कीर्ति नाम है उसका, मिसिंग है सर। हमें तो पता भी नहीं कि आपकी एक बेटी भी है। ये सब मैं बाद में बता दूंगा, मैं अभी पहुंचता हूँ। देखिए अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए, मैं बात कर लूंगा। क्या बात है? मेरी बेटी लापता है। उम्र कितनी है? 19 साल। किसी के साथ भाग गई होगी, उसके दोस्तों से पूछ लीजिए। हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, मुझे जानते हो ना? क्या हुआ, वकील की बेटी प्यार न करे, किसी के साथ भाग ना जाए, ये कोई कानून है क्या? दूसरों की बेटियों की इज्जत तो आप अदालत में उछालते रहते हैं, इसका एहसास तब नहीं हुआ था क्या? उसका नाम क्या है, वो करती क्या है और कब से लापता है, ये सब डिटेल्स के साथ कंप्लेंट लिख दो। क्यों हिंदी नहीं आती क्या? मुझे ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आती है। बातें तो हिंदी में करते हो, लिखते समय अंग्रेज की औलाद हो जाते हो। लीजिए। ठीक है जाइए। लेकिन मेरी बेटी, अभी तो कंप्लेंट दी है आपने, तहकीकात भी करेंगे, कोई तस्वीर हो तो भिजवा दीजिए। उतनी देर में उसे कुछ भी हो सकता है मिस्टर रॉय, कौन जानता है किडनैप करने वाला कौन है, क्या है, कहां पे है, हम पता करके बताएंगे। नमस्ते वकील साहब, अगर वकील चाहें तो किसी अदालत में किसी केस की कोई फाइल मूव नहीं करेगी, यही कहा था ना? लेकिन अगर पुलिस वाले चाहें तो केस ही फाइल नहीं होगा। आपका चीखना चिल्लाना जो ये सब है अदालत के अंदर, बाहर आएंगे तो हम जैसे लोग ही काम आते हैं। आपको चैन की सांस लेनी है या अपनी बीवी के साथ चैन से सोना है, तो घर के बाहर कुत्ता होना चाहिए या उतना ही ईमानदार पुलिस वाला होना चाहिए। माइंड इट मिस्टर एडवोकेट। हेलो मंजुनाथ। कौन मंजुनाथ? तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, बच्ची को सबसे छुपा के हॉस्टल में रखा था तो सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उस दिन मैंने बोला था तुझे, मैं बाहर आया तो तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा, उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं, और अब तुम्हारी बेटी को सजा मिलेगी, उसकी इज्जत जाएगी या फिर वो अपनी जान से जाएगी। Hey! Don't shout! क्या चाहते हो? That's a good question. तो एक काम करो, मुझे 25 लाख रुपए दो, तब उसे छोड़ दोगे ना? देखते हैं, मेरा मन पैसों से भरेगा या तेरी बेटी की जवानी से। भाई चाय दूं क्या? अबे जाना यार, कितना दिमाग खा रहा है मेरा। कैसा है रे? ठीक हूँ साहब। ये ले एक चाय पिला। एक खबर है साहब, वहां उस स्कॉर्पियो में एक लड़की है साहब। राय पैसे कहाँ है? कहाँ है लड़की बे? सर उस गाड़ी में है। ओ शिट। हेलो सर,
घटिया काम करके सिर ऊंचा नहीं रखते, आंखें नीचे करो। गलती नहीं की तो सर क्यों झुकाऊं? मैं भी एक अच्छे घराने से हूं, किसी पैसे वाले को खून करते देखा मैंने। सोचा था कि गवाही देना, सच कहना ही मेरी जिम्मेदारी है। उस पैसे वाले ने कुछ पैसे फेंके और रॉय ने उसे समेट लिया। कातिल मुझे करार दिया गया, मैं जेल गया। कब से अपने बारे में अच्छी बातें बताए जा रहे हो? तो उस लड़की को किडनैप करके रेप का अटेम्प्ट क्यों किया? सर मैं भी इंसान हूँ सर, वो लड़की मेरी बहन की तरह है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे रॉय को सबक सिखाना था। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं अब डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। अगर होता तो तेरा मुंह खुलने से पहले मेरे बंदूक की गोली तेरे भेजे में जाकर आंख में चोली खेलती। तेरी अच्छाई ने तुझे बचा लिया है। नाम क्या है तेरा? मंजू सर। आइंदा ये सब मत करना प्लीज। माँ, बेटी, तुम ठीक तो ना? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके हकदार हम नहीं हैं। बेटी ब्रेक हुआ होगा, आराम से पूछिए, वो बताएगी। मिस्टर शंकर पांडे। यस मिस्टर लॉयर, क्या हुआ? अदालत में तो आप सारी लड़कियों से रेप कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, दिन में हुआ, रात में, कपड़े निकाले थे, हाथ कहाँ रखा था, वगैरह वगैरह अजीब सवाल पूछते हैं। अपनी बेटी से पूछने के लिए शर्म आ रही है क्या, या जिल्लत हो रही है? मिस्टर रॉय, सिर्फ केस जीतना है, खूब पैसे कमाना है, समाज में बहुत बड़ा बनना है, ये सोचकर इंसानियत भूल जाओगे ना तो कभी चैन से नहीं जी सकते। आपको मुजरिमों से तो प्यार है, हमदर्दी है, लेकिन हम जैसे पुलिस वालों से क्यों नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी एक बात बताता हूँ, आप बोलते हैं कि कोई पुलिस वाला अच्छा नहीं होता, पर उन्होंने साबित कर दिया है कि सब बुरे भी नहीं होते। अच्छाई और अच्छे लोगों को पहचानोगे तो इज्जत भी मिलेगी, पर ये बात आप कभी नहीं समझ पाए। मिस्टर रॉय, लेट्स मीट इन द कोर्ट। सीसी नंबर 171/2009, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन, शंकर पांडे एंड अश्विनी पांडे। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं। यस प्रोसीड। क्राइम हुआ है, किसी ने नहीं रोका, पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी ठहराया जाता है। घर में पानी भर जाए तो सुनामी को दोष दोगे क्या? क्यों भाई, सिर्फ पुलिस वालों को ही सारी जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ेगी? आप में से किसी को क्यों नहीं? कसाब नाम का एक देशद्रोही अदालत में गुनाह कबूल करने के बावजूद उसके पक्ष में पैरवी की जा रही है, कौन लेगा योर ऑनर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गुनाह करने वाले को सजा जरूर मिले, पर निर्दोष को सजा ना मिल सके ये इनकी जिम्मेदारी है। जुडिशरी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो ये सही है या गलत? उसे फांसी दोगे तो नतीजा क्या होगा? ये सारी बातें मंत्री लोग और बड़े लोग बैठकर टीवी पर सुबह शाम डिस्कस करते हैं, तो क्या ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इतनी ही इज्जत करते हैं? इसके बारे में सब्र से काम लेना, मीडिया वालों की जिम्मेदारी बनती है ना। जब तक वीरपन जिंदा था सब लोग कहते थे पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, और जब वो मारा गया तो छानबीन करने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए। जब वीरप्पन सैकड़ों पुलिस वालों को मार रहा था तब क्या कर रहा था? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमैनिटी की बातें करने वाले लोगों को ये समझना कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। हर कोई खाने में लगा है, जनता विश्वास करे तो किस पर? पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। इनकी सरकार बनती है ये खाते हैं, उनकी सरकार बनती है वो खाते हैं। सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में किसी भी हद तक उतरने में नहीं हिचकिचाते हैं ये नेता। याद रखिए कि नेताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि प्रजा का भला किस तरह से हो। क्या मतलब, तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट दूध की धुली है? ये तो मैंने नहीं कहा सर। याद कीजिए संजय दत्त जब जेल से छूट रहे थे तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उनसे हाथ मिला लिया था तो उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर सरकार गिर जाएगी, मेजोरिटी नहीं रहेगी, ये सोचकर जेल में बंद पॉलिटिशियन को बेल पर बाहर लाया गया। उस दिन कहां गई थी लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूंगा कि पुलिस की गलती नहीं है, लेकिन हर बुराई के लिए आप पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हजारों चीजों के लिए कानून में बदलाव लाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले इस एसिड अटैक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का आदेश दे दिया था। ये काम कोई नहीं करता, कोई भी सरकार ये काम नहीं कर रही है। क्या यही है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक इज्जतदार आदमी की इज्जत चली जाती है तो सोचता है कि समाज में कैसे जीऊंगा। वही एक औरत जिसका चेहरा जला दिया गया हो, सोचिए वो किस तरह जिंदा रहती है। योर ऑनर, आप ही कोई कानून बनाइए, औरत पर हो रहे अत्याचार को रोकिए।
अगर रेप करने वाला 10,000 देकर छूट जाता है तो क्या जिसके पास 10,000 है ऐसा शख्स रेप कर सकता है? और जिन पर एसिड अटैक हुआ है केस फाइल करते हैं ताकि मिलने वाले मुआवजे से जिंदगी गुजार सके। वो लड़की जो रकम जीतने वाली थी उससे कुछ बच्चों की जिंदगी सुधारने की चाह रखती थी, पर उसी की जिंदगी अब अंधेरे में है। इसकी वजह है कानून। जनता तो ये भी नहीं जानती कि राशन के तराजू में बेईमानी हो तो कहां जाए, न्याय के तराजू में अन्याय मिले तो कहां जाएंगे। इसीलिए खुलेआम में आज मैं एक सच्चाई को स्वीकार करता हूं। वकील रॉय साहब ने सच कहा कि मैंने ही ये सारे कत्ल किए हैं। वी आर द कल्प्रिट। क्या आप ह्यूमन राइट वाले मदद करेंगे? वैसे हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। योर ऑनर, आज आप जो भी सजा मुकर्रर करेंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों रघुनाथ रॉय जी, आपको कोई सवाल पूछना है? योर ऑनर, आज मैं इस केस से बैक आउट कर रहा हूं। कोर्ट की परमिशन मिल सकती तो मैं आपकी पैरवी कर रहा होता, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज तक बहुत मतलबी था, आज से एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर बनूंगा। हमारी फैमिली में सभी ने नेत्रदान किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस केस की अगली तारीख अगले महीने के 19 को मुकर्रर की जाती है। शंकर पांडे, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। मुझे आपकी तरह बात करना नहीं आता सर। मैं एक नेता होने के नाते नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। चुनाव में 40% लोगों ने वोट दिया तो खुश होने की बजाय बाकी के 60% लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, इसके बारे में एक बार सोचिएगा सर। इस देश का भविष्य तैयार करना आप लोगों के हाथ में। हेलो सकलेचा। सर नमस्ते। केस का क्या हुआ? सर मैंने केस से बैकआउट कर लिया सर, मुझे लगा कि मैं आज तक गलती करते आया हूँ, और वैसे भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां ना सर। सही कहा, बच्चों की खातिर या फिर किसी और स्वार्थ के लिए गलती कर जाते हैं हम, लेकिन इन सब के ऊपर एक और भी जिम्मेदारी होती है, इसे तो हम भूल ही जाते हैं। अब इसे बदलना होगा। बिल्कुल सर। मैडम का फोन है। हेलो। गुड। कुछ लोगों में तो गलती करते वक्त हिम्मत होती है, गलती मानते वक्त नहीं होती, पर तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा काम किया है तुमने, और इतना ही नहीं कुछ लोगों को बदला है तुमने। आज वाकई में तुम अच्छे इंसान बन गए हो, सजा भी हुई तो बी प्राउड। यस मैडम। अंकल आपने क्या गलती की है? अंकल आपको जेल में डाल देंगे। दीदी कहती है आप अच्छे हैं तो आपको यहाँ क्यों लाया गया है? अंकल को नहीं छोड़ेंगे क्या? पता नहीं बेटा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, देवी जैसी दीदी मिल गई है। पढ़ाई करना, बहुत नाम कमाना बेटा। सर आपकी नजर में जो सही है वो कानून की नजर में गलत है ना, बताइए। कानून तो एक ढांचा है, उसमें जान डालने के लिए इंसानियत चाहिए, वही मैंने किया है। इसीलिए आप जानवर बन गए? नहीं, जानवर को मारने के लिए जानवर बना क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आपने गलती नहीं की है? नहीं जानता। फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? प्रजातंत्र में प्रजा का फैसला सबसे बड़ा होता है। उन्होंने चाहा तो छूट जाऊंगा, और दिल में बसा के रखा तो महान बन जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।